गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल ही बोला था ना अपन ने गुड मॉर्निंग बोलेंगे। यस, सब लोग रेडी है? दो दिन हुए, दो चैप्टर खत्म है। एफएम में 10 चैप्टर है, मतलब सिर्फ 10 दिन तो एफएम चलने वाला है, ऐसा अंदाजा आ रहा है अभी से। बट वर्थ इट ना, जो चल रहा है वर्थ इट ना। मुझे कोई प्रॉब्लम है, 4 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे ईएफएफ के लिए, 4 चैप्टर उधर है। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, गुड। क्योंकि हम जो भी यहाँ पर कर रहे हैं वो कोई फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, वो अपनी तरफ से अपना 100% होना चाहिए, बराबर ना? यस, चलो। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ऑल योर विशेस यहाँ पर जो भी है। एंड देखो, मैं हर बार बोलता था और मैं ये बार बार प्रूव कर रहा हूँ आपको कि यू नो, स्टार्ट लाइन से एंड लाइन तक, फिनिश लाइन तक दौड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो फर्स्ट डे यहाँ पर कितने लोग थे और यहाँ पर कितने लोग थे और आज यहाँ पर कितने लोग हैं, तो 2-4 कम हो गए। यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% कम, समझो। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग मिस कर रहे होंगे, ये लोग रिकॉर्डेड देखेंगे, मुझे पता है। बट हो गया ना बैकलॉग, और बैकलॉग क्या होता है ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता, मुझे नहीं लगता कि उसको समझाने की भी जरूरत है आपको। तो इसलिए गाइस, हम लोग कोई भी चीज अगर पेंडिंग नहीं रखेंगे तो बेस्ट रहेगा हमारे लिए, करेक्ट ना? यस, चलो। हम लोग कल एक क्वेश्चनर का क्वेश्चन देख रहे थे, उस क्वेश्चन में एक ABCD 4 कंपनी का DOL था दिया हुआ, निकाला हुआ, तो उसमें एक प्रिंट मिस्टेक है, 7 हो गया, वो 1 है, उसको सिर्फ कंसिडर कर लो आप लोग। आई होप जिन लोगों ने सॉल्व किया रहेगा उनको समझ भी गया रहेगा, मगर उनको ही समझा रहेगा जो सॉल्व किए। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर टू, करेक् ट, क्वेश्चन नंबर टू, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी डी। इसका आंसर 7 नहीं आता, इसका आंसर 1 आता है, करेक्ट। चलो अब हम बढ़ रहे हैं आगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ। सो गाइस, हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में क्या एग्जैक्टली हम लोग देखने वाले हैं, देख लो एक बार अच्छे से, समझ लो कि इस चैप्टर का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है? सब लोग गाइस मेरे साथ हैं, चैप्टर नंबर 3, कैपिटल स्ट्रक्चर। इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, कितने? 3 पार्ट्स। पहला पार्ट रहेगा कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्योरीज, कितने थ्योरीज है दोस्तों इसमें? 4 थ्योरीज है, कितने? 4। उन थ्योरीज को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कुछ थ्योरीज बोलती है कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने से आपका KO चेंज नहीं होता, और कुछ थ्योरीज बोलती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने से आपका KO चेंज होता है। पहली बात तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट मिक्स और कॉम्पोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इन द बिजनेस। बोलो एक बार, मिक्स और कॉम्पोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स इन द बिजनेस। कौन से लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, डेट, ये सब लॉन्ग टर्म है। इनका मिक्स, इनका प्रपोर्शन, इसका कंपोजिशन, इसको बोलना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर। हो सब लोग मेरे साथ? ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द 2 वर्ड्स, कैपिटल एम्प्लॉयड एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इन सबका टोटल, क्या बोला? इन सबका टोटल, मगर इनका प्रपोर्शन जब हम निकालते हैं तो इसे कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। आर यू क्लियर? BMW मत रखो, बेसिक में वांदे बिल्कुल नहीं चाहिए अपने को, एकदम बेसिक्स क्लियर चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, सबका टोटल, मगर इसी का अगर मैं प्रोपोर्शन निकालू, रेशियो प्रोपोर्शन सीखा है ना आपने, 50% डेट है, 30% इक्विटी है, 20% प्रेफरेंस है, तो इसको क्या बुलाएंगे? कैपिटल स्ट्रक्चर बुलाएंगे इसको। अंडरस्टूड? ओके, तो पहला थ्योरी क्या बोल रहा है आपको कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट करता है आपके KO को, अफेक्ट करता है किसको? KO को। वेयर एज दूसरा थ्योरी का पार्ट, दूसरा यू कैन से टाइप ऑफ थ्योरी बोलता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट KO, डज नॉट अफेक्ट KO। इसका मतलब क्या हुआ? कितना भी डेट ले ले, कितना भी इक्विटी चेंज कर ले, प्रोपोर्शन, तेरा KO चेंज नहीं होगा, ऐसा मानने वाला थ्योरी है सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी क्या बोलता है कि तू डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन चेंज करेगा तो तेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होगा। KO मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल? डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस, इन सबका वेटेड एवरेज,
इन सब का वेटेड एवरेज को बोलते हैं क्यू। बाय द वे डेट के कॉस्ट को सिंपलिकली के डी बोला जाता है, इक्विटी के कॉस्ट को के ई बोला जाता है, एंड प्रेफरेंस के कॉस्ट को केपी बोला जाता है। एवरीवन विद मी? तो ओवरऑल कॉस्ट को क्यों बोलेंगे, समझ गए? इसके एक और नाम है डेट कैपिटलाइजेशन रेट, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, प्रेफरेंस कैपिटलाइजेशन रेट, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट। भाई सब कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटलाइजेशन रेट मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लिख लो कहीं पर, चार्ट बुक में लिखना है तो चार्ट बुक में लिख दो, कोई बात नहीं, आप लिखो बस अच्छे से। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा? कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्योरीज। कितने थ्योरीज हैं? चार। कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? दो। एक बोलता है केओ चेंज नहीं होगा, एक बोलता है केओ चेंज होगा। तो जो थ्योरी बोलता है केओ चेंज होगा, उसमें पहला थ्योरी आता है एनआई अप्रोच। क्या आता है दोस्तों? एनआई अप्रोच। जो बोलता है नहीं होगा, उसमें पहला थ्योरी आता है एनओआई अप्रोच। व्हाट इज एनआई? नेट इनकम अप्रोच। व्हाट इज एनओआई? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ओके, सेकेंड थ्योरी जो आता है, जो बोलता है कि आपका केओ चेंज होगा, वो है ट्रेडिशनल थ्योरी। क्या है बोलो मेरे साथ? ट्रेडिशनल थ्योरी। और यहां का जो सेकेंड थ्योरी है, जो एनओआई का ही एक्सटेंशन है, उसको बोलते हैं एमएम अप्रोच। वेरी गुड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ एमएम? मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। हमारे प्रधानमंत्री से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इतने सारे स्कीम में आप लोग प्रधानमंत्री सुनते हो। आजकल तो हर स्कीम के नाम के शुरुआत प्रधानमंत्री होता है ना? देश में बाकी मंत्री कुछ करते कि नहीं, ये डाउट आ रहा है अभी, है ना? तो ये जो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच है, इसका पीएम मोदी से कोई संबंध नहीं है, बट ये एक सिंपल लॉजिक है कि एक अलग अप्रोच दिया इन्होंने, ठीक है? नाउ चार थ्योरीज है कुल मिलाकर, कौन से? एन आई, एनओ आई, देन एम एम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। एवरीबडी, ठीक है? चलो, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो रहेगा वो क्या रहेगा? कैपिटल स्ट्रक्चर पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। तो सेकेंड पार्ट रहेगा कैपिटल स्ट्रक्चर क्वेश्चंस। कैपिटल स्ट्रक्चर पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब क्या? आपको बोला जाएगा कि एक्सपांशन के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, आप रिकमेंड करो कि कहां से लाए, डेट से लाए, इक्विटी से लाए कि प्रेफरेंस से लाए, या प्लान वन से लाए कि प्लान टू से लाए कि प्लान थ्री से लाए। प्लान वन कैन बी डेट इक्विटी का कॉम्बिनेशन, प्लान टू कैन बी अनदर कॉम्बिनेशन ऑफ डेट इक्विटी, प्लान थ्री कैन बी नेक्स्ट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डेट इक्विटी प्रेफरेंस, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो सेकंड कैटेगरी है इस चैप्टर में, ये रहेगा कैपिटल स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में क्या पूछा जाएगा सेकंड कैटेगरी में, कि मुझे एक्सपांशन करना है, मुझे फंड रेजिंग करना है, तो आप बताओ कि प्लान वन बेस्ट है या प्लान टू बेस्ट है या प्लान थ्री बेस्ट है, समझ गए? आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, तीन प्लान का, दो प्लान का भी क्वेश्चन आ सकता है, चार प्लान का भी आ सकता है। थर्ड, इसको मैं मिसलेनियस बोलना चाहूंगा। मिसलेनियस में क्या आता है? मिसलेनियस में मेनली इंपॉर्टेंट दो चीजें आती है, दो इंपॉर्टेंट बोला मैंने। मिसलेनियस में पहली चीज आएगी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। क्या आता है बोलो? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मिसलेनियस में। एंड मिसलेनियस में दूसरी चीज आती है इनडिफरेंस पॉइंट। मिसलेनियस में दूसरी चीज आती है दोस्तों इनडिफरेंस पॉइंट। यस, वेरी गुड। चलो सब लोग है मेरे साथ। एंड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, इनडिफरेंस पॉइंट, इज दैट क्लियर? यहां तक का पार्ट समझा? अब ये क्या होता है सर, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है? मैं अभी वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बोलूंगा कि ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पर आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चैप्टर में कुल मिलाकर कितने पार्ट्स हो गए? तीन। पहला पार्ट कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्योरीज, कितने थ्योरीज है? चार। कितने कैटेगरी में डिवाइडेड है? दो। कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट्स वैक, कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट वैक। वैक क्या होता है सर? केओ। केओ का दूसरा नाम वैक है। व्हाट इज वैक? डब्ल्यू ए सी सी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, देन दूसरा
सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चंस ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर, एक्सपेंशन करना है, पैसों की जरूरत है, कहां से करें, विच प्लान वी शुड सिलेक्ट। और थर्ड, मिसलेनियस में दो ही चीजें आती है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, इन डिफरेंस पॉइंट। क्लियर? चलो, तो इसका मतलब हमें ये तीनों चीजें समझनी है, ठीक है? तो सबसे पहले फर्स्ट थ्योरी समझते हैं। कौन सा थ्योरी है? एनआई अप्रोच। लिखो आपके नोटबुक में एनआई अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, एनआई अप्रोच। सभी थ्योरीज जो है ना, इनके जनरल अजम्पशन में ऐसा लिखा है कि कंपनी कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं चेंज कर सकता है, कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज करना अलाउड नहीं है, मगर कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करना अलाउड है। आई होप आपको समझ आए। मेरे फर्म के पास अगर लॉन्ग टर्म सोर्स से 1 करोड़ रुपए आया है, तो मैं उस 1 करोड़ को डिक्रीज भी नहीं कर सकता हूं, इंक्रीज भी नहीं कर सकता हूं, मगर वो 1 करोड़ में से अगर 50 लाख इक्विटी एंड 50 लाख डेट से लाए थे, तो इस रेशियो को मैं चेंज कर सकता हूं। 50-50 रेशियो है ना, इसको मैं 30-70 कर सकता हूं, 10-90 कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है? दूसरी बात बोलिए कि देर आर ओनली टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, विच टू सोर्सेज? ओनली इक्विटी एंड डेट। इसका मतलब देर आर नो प्रेफरेंस शेयर्स। मैं ये अजम्पशन जो बोल रहा हूं, अब पूरे चैप्टर के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ चार थ्योरीज के लिए बोल रहा हूं। सब लोग है क्या मेरे साथ? ठीक है। तीसरा चीज ये बोलते हैं, देयर आर नो टैक्सेस, ठीक है एवरीवन? मेन अजम्पशन मैंने बता दिया। अब अगर मुझे और कोई अजम्पशन आगे क्लिक होता है तो मैं बता दूंगा आपको, अगर हमारे वर्किंग में और कोई आता है अजम्पशन तो मैं बता दूंगा आपको। सभी अजम्पशन हमारे चार्ट बुक में लिखे हुए थे, ठीक है? चलो, अब एनआई अप्रोच क्या बोलता है पता है आपको? एनआई अप्रोच बोलता है कि फर्म कितना भी डेट ले ले या कितना भी इक्विटी ले ले, केडी एंड केई चेंज नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ डेट मतलब, सपोज मैं आपका बैंक हूं, आपने 50% पैसा मुझसे लिया था, 50% खुद का पैसा डाला था, तब मैंने आपको लोन 10% से दिया था। अब अगर मुझे आप 70% भी मांगो पैसा, तभी मैं 10% ही इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। और अगर मुझे आप 70% नहीं मांग रहे हो, सिर्फ 20% लोन मांग रहे हो, बाकी 80% आप आपकी जेब से डाल रहे हो, तो भी मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही रहेगा। आर यू जेपिंग दिस? आपको समझ रहा है? ओके। एंड इक्विटी का कॉस्ट जो होता है के, वो भी सेम रहेगा। आप कितना भी पैसा डेट से लो, कितना भी पैसा इक्विटी से लो, के विल ऑल्सो रिमेन सेम एवरीवन। इसका मतलब केडी एंड के बोथ रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। डेट इक्विटी चेंज करने से ये दोनों चीजें चेंज नहीं होती, ठीक है? तो जरा 2 मिनट के लिए एनआई अप्रोच का डायग्राम देखते हैं। एक्स एक्सिस पर डेट इक्विटी मिक्स है और वाई एक्सिस पर ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। वाई एक्सिस पर क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरे वाई एक्सिस पर है, मेरे एक्स एक्सिस पर डेट इक्विटी का मिक्स है। क्या आपको नजर आ रहा है? ओके, नाउ दिस इज जीरो लेवल। जीरो लेवल पर क्या होता है दोस्तों? डेट इज 0% मीन्स इक्विटी इज 100%। और जैसे जैसे एक्स एक्सिस पर हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे एक्स एक्सिस पर हम आगे बढ़ेंगे, हम डेट के प्रपोर्शन को बढ़ाएंगे एंड इक्विटी का प्रपोर्शन कम करेंगे। डेट के प्रपोर्शन को बढ़ाएंगे, इक्विटी के प्रपोर्शन को कम करेंगे। अंडरस्टूड? यस। नाउ अकॉर्डिंग टू द अजम्पशन व्हाट वी डिस्कस्ड, your KD will be here constant throughout, your KE will be here constant throughout. Are you understanding why? Are you understanding why? ऐसा क्यों हो रहा है, समझा क्या? अच्छे से देख लो पहले, देखा? बताओ अभी इस डायग्राम में आपको KD और KE दोनों कॉन्स्टेंट दिख रहे हैं? Yes or no? Yes. क्यों कॉन्स्टेंट है? क्योंकि कितना भी डेट लो, कितना भी इक्विटी लो, KD एंड KE both remains सेम। यही बोला था ना अपन ने? ओके, नाउ व्हाट विल हैपन टू दिस केओ? केओ की शुरुआत कहां से होगी दोस्तों?
क्या केओ की शुरुआत केडी से होगी या केई से होगी? सोच के बोलो, स्क्रीन पर ही आंसर है, केई से होगी। सॉरी, कहां से होगी? केई से। क्यों केई से होगी मगर सर? क्योंकि देखो ना, मेरे इक्विटी में क्या है, सॉरी मेरे कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या है, पूरा इक्विटी है। तो पूरा अगर मेरे कंपनी के पास इक्विटी ही है तो मेरे कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी इक्वल टू ओनली इक्विटी कॉस्ट का कैपिटल, इक्विटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना, बिकॉज मेरे पास इक्विटी को छोड़कर और कुछ है भी नहीं। अगर वो इक्विटी को छोड़कर और कुछ है ही नहीं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में के ही तो आएगा, और क्या आएगा? समझे कि नहीं? मगर जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो देखिए जरा अच्छे से, क्या कर रहे हैं तू? डेट को बढ़ाकर इक्विटी को कम कर रहा है। अब तेरे कैपिटल में सिर्फ इक्विटी नहीं है, डेट इक्विटी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? कौन सा कैपिटल तू बढ़ा रहा है और कौन सा कम कर रहा है? डेट का कैपिटल बढ़ा रहा है और इक्विटी का कैपिटल कम कर रहा है। इससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा। क्यों कम होगा? दो मिनट के लिए सोचते हैं कि मेरे राइट हैंड साइड सब लोग इक्विटी वाले लोग हैं, पूरा पैसा मैंने आपसे ही लिया था पहले, मेरे कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना आपका कॉस्ट रहेगा उतना ही है, बराबर कि नहीं? इनसे ये डेट वाले, इनसे एक भी रुपया नहीं लिया मैंने अभी तक, तो ऑब्वियसली इसका मतलब मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी इक्वल टू इक्विटी कॉस्ट, यस और नो? बट द मोमेंट आई टेक 10% फ्रॉम यू, आई रीपे देयर 10%, नाउ आई हैव 10% डेट, 90% इक्विटी। बट रिमेंबर, डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। इस डायग्राम में भी देख लो, आपका केडी नीचे दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? केडी नीचे है और केई ऊपर है, दिख रहा है सबको? अब बोलो, डेट वाले लोग अगर मुझे सस्ते में पैसा देंगे तो मेरा ओवरऑल पैसों का कॉस्ट कम होगा। इनसे और 20% ले लेता हूं मैं, मतलब 30% पैसा आपका है, और वो पैसा इनको दे देता हूं, रीपेमेंट ऑफ इक्विटी, जिसको हम लोग बायबैक ऑफ शेयर्स बोलते हैं। तो फिर अब मेरे पास 70% पैसा इक्विटी से है और 30% पैसा डेट से, मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और थोड़ा नीचे आ जाएगा। अब मैंने आपसे और 20% ले लिया, अब 50-50 है, तो मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और थोड़ा नीचे आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप जो मुझे पैसा दे रहे हो वो इक्विटी से सस्ता है, तो मेरा ओवरऑल पैसों का कॉस्ट कम होगा। डू यू अग्री? और देखते ही देखते अगर मैंने बोला 90% पैसा मैंने आपसे लिया है, सिर्फ 10% पैसा इनसे लिया है, तो मेरा ओवरऑल पैसों का कॉस्ट तो और भी कम हो जाएगा ना। तो मेरा डायग्राम जो है उसमें मेरा केओ कम 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 होते हुए दिखेगा आपको, कंटिन्यूअसली कम कम होते हुए दिखेगा। थियोरेटिकली स्पीकिंग वो केडी को भी टच हो जाएगा, थियोरेटिकली स्पीकिंग केडी को कब टच होगा? केओ पूरा पैसा डेट से लिया, इक्विटी से कुछ लिया ही नहीं है, मगर ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता ना। रियल लाइफ में बैंक बोलेगा तू जा इधर से, पैसा पूरा मेरा, बिजनेस तेरा, कल जाके डूबा तो पूरे हम डूबे, तेरा क्या ही तो गया, तेरा तो एक रुपया भी नहीं था, समझे? रियल लाइफ में 100% डेट कोई नहीं देता, मगर थियोरेटिकली तो कुछ भी पॉसिबल है ना। तो थियोरेटिकली तो ये केओ केडी को टच भी कर सकता है, इनफैक्ट आपके क्वेश्चंस में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 100% डेट, ठीक है? लोड लेने का नहीं, उन्होंने जो क्वेश्चन में बोला वो करने का, ठीक है? नाउ योर केओ इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग डाउन 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 डाउन, ठीक है? बिकॉज यू आर यूजिंग चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड यू आर रीपेइंग कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फाइनेंस। इनके पैसों का कॉस्ट है 14%, आपके पैसों का कॉस्ट है 10%। मैंने आपसे पैसा लिया, इनका बायबैक किया, आपसे पैसा लिया, इनका बायबैक किया, तो मेरा ओवरऑल 14% का जो कॉस्ट था वो कम कम हो रहा है और 10% का कॉस्ट एडअप हो रहा है, अल्टीमेटली 4% तो सेव ही हो रहा है ना, यस और नो? तो फिर मेरा क्यों कम 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 होते जाएगा। अब कोई भी थ्योरी जो आप पढ़ोगे वो थ्योरी में आप क्या ढूंढने की कोशिश करोगे और क्या दिया रहेगा? दोस्तों जो चीज आपको डायग्राम में कॉन्स्टेंट दिख रही है ना वो दिया रहेगा, जो चीज डायग्राम में चेंजिंग है ना वो आपको ढूंढना होगा। मतलब है ना, अप्रोच में क्या दिया रहेगा? केडी एंड केई दिया रहेगा, क्या ढूंढना पड़ेगा? केओ। रेडी आप लोग केओ तक पहुंचने के लिए? मतलब हमारा टारगेट क्या है? केओ तक पहुंचना। स्टेप्स यहां से आप लिख सकते हो मेरे साथ, स्टेप्स एनआई अप्रोच के स्टेप्स। मैं डेट इक्विटी चेंज कर रहा हूं उससे मेरा ऑपरेटिंग पार्ट चेंज होता है क्या? डेट इक्विटी चेंज करने से मेरा ऑपरेटिंग पार्ट नहीं चेंज होता है, ये असम्पशन में भी लिखा था और ये फैक्ट भी है। क्यों सर?
क्योंकि डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन चेंज करने से सेल्स क्यों चेंज होगा, वेरिएबल कॉस्ट क्यों चेंज होगा, फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन क्यों चेंज होगा भाई? इसका मतलब डेट इक्विटी चेंज करने से सेल्स से लेकर ईबीआईटी तक कुछ भी नहीं चेंज होता है। इसका मतलब इस चैप्टर में आपके सभी आंसर्स की शुरुआत ईबीआईटी से होगी, सभी आंसर्स की शुरुआत ईबीआईटी से होगी, एटलीस्ट ये थ्योरी में तो स्टेप्स में तो पक्का होगा। तो हमारा शुरुआत किधर से हुआ? ईबीआईटी। सर ईबीआईटी से क्यों हुआ? बिकॉज सेल्स से लेकर ईबीआईटी तक का पार्ट डेट इक्विटी चेंज करने से चेंज नहीं होता। अंडरस्टूड? ओके, नाउ सेकेंड स्टेप विल बी ईबीटी। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ईबीटी और एनआई, मतलब मैं ईबीटी को ही एनआई बुला रहा हूं। आप एग्री करते हो क्या? ईबीटी इज एनआई। अरे व्हाट इज एनआई? लॉन्ग फॉर्म मत बोलो, व्हाट इज एनआई? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स। मैं यहां पर बोल रहा हूं आपको कि मेरा ईबीटी मेरा एनआई है, क्योंकि टैक्स नहीं है तो ईएटी तक नहीं जाना है। और माइनस ईएटी के बाद क्या करते थे हम लोग? प्रेफरेंस शेयर्स भी नहीं है। असम्पशन में लिखा था नो टैक्स एंड ओनली डेट इक्विटी कैपिटल, नो प्रेफरेंस कैपिटल, करेक्ट? तो इसका मतलब इन थ्योरीज के तक ईबीटी इटसेल्फ विल बिकम योर एनआई इज इक्वल टू व्हाट यू विल से, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज योर एनआई। वेरी गुड, वेरी गुड, सही जा रहे हो यार, इधर के लोग भी मस्त आंसर दे रहे, एकदम सही, गुड गोइंग। अब तक लाइक नहीं किया आप लोगों ने, मगर क्या होता है ना, देखो मैं आपको एक बात बोलूं, जो आप दोगे वो आप पाओगे। तो पार्टी दे दूंगा, अरे पार्टी का क्या है, पार्टी दे देंगे, डेफिनेटली दे देंगे। आप सुनो, हम लोग जनरली क्या होता है अभी यहाँ पे लाइक करने के अंदर थोड़ा कंजूसी करते हैं, बिकॉज हमको लगता है लाइक क्यों करें। मगर भाई लाइक तू किसके लिए कर रहा है? खुद के लिए। जब तू पॉजिटिव जोन में जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली तू पॉजिटिव, तेरे को बदले में मिलेगा भी लाइक। मुझे बताओ भी, ये तो ये चैनल भी 20 पार्ट का है, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, तो मेरा पर्सनल चैनल भी नहीं है, मगर मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि लाइक करना चाहिए। जब आपको लग रहा है कि कोई चीज आपको वैल्यू एडिशन कर रही है, तो आपने उसको लाइक करना चाहिए। व्हाट यू गिव कम बैक्स टू यू। कुछ लोग है, पीएस एकेडमी खुला था तो हमने एक सिस्टम सेट किया कि पीएस एकेडमी में जो भी सर्विस अवेल करने आएगा, भले वो टेस्ट सीरीज बाय करो या वो लेक्चर्स बाय करो या वो एक बुक बाय करो, हम उनकी बाइंग एक्सपीरियंस के बाद जाने के बाद बोलते हैं सर रेटिंग करो ना प्लीज, और रिव्यू भी डालो। तो है ना, कुछ लोग बहुत खुशी से ऐसा स्कैन करते, रेटिंग करते 5 स्टार रेटिंग और रिव्यू में भी लिखते, कुछ लोग सिर्फ स्कैनिंग करते रिव्यू में 5 स्टार डालते। अग्रीड के लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, सोशल मीडिया थोड़ा कमेंट करना है ना, तो लिखने में दिक्कत है, मगर 5 स्टार रेटिंग दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, स्कैन किया 4 स्टार दे रहा है मैं, 4 स्टार दे रहा हूं मैं, तो वो एम्प्लॉय पूछता है सर कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं नहीं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इसलिए 4 स्टार दे रहा हूं, है ना। तो उसको पूछे फिर 4 स्टार क्यों दे रहा, 4 स्टार इससे ऊपर क्या चाहिए तुमको, वहां कम से कम 300 लोगों ने 5 स्टार दिया है, उनको नहीं, अपन कितना देंगे, 4, 5 out of 5, डाइजेस्ट ही नहीं होता है देना है ना। तो मैंने ये बोला ना कि एक दिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमारा स्टाफ का मीटिंग होता है एवरी मंथ एवरी वीक में एक बार, तो वीकली मीटिंग में मुझे एक एम्प्लॉय पूछती है कि सर ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेक्चर्स ऑसम है सब है, फिर भी 4 स्टार ही देते सर। मैंने बोला क्या होता है ना, कुछ लोगों को जिंदगी में बहुत पॉजिटिव भी पसंद नहीं आता है ना, तो होता है किसी किसी का दिल इतना बड़ा नहीं रहता कि पॉजिटिव पूरी तरीके से दे दे, बट रिमेंबर व्हाट यू गिव कम बैक्स टू यू। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर स्टे पॉजिटिव गाइस, डेफिनेटली विल कम बैक टू यू। अथर्व हियर इज सेइंग सर वी विल गिव 5 स्टार सर डोंट वरी सर। चलिए, तो ईबीटी और एनआई समझ गए आपको। अब मुझे एक बात बोलो, थर्ड स्टेप कौन सी होती है, ध्यान से सुनो, थर्ड स्टेप कौन सी होती है, ध्यान से सुनो। आपकी सेकंड स्टेप में आप कहां तक पहुंचे थे? एनआई तक पहुंचे थे। एनआई किसको बिलोंग करता है, इक्विटी या डेट? इक्विटी वालों को बिलोंग करता है। तो अपन क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे। एनआई किसको बिलोंग करता है, इक्विटी वालों को, इसलिए अपन क्या निकाल रहे हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो नीचे लिखेंगे थर्ड स्टेप में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जिसको हम सिंबॉलिकली बोलते हैं एस। सर इसको एस क्यों बोलते हैं, शेयर्स की वैल्यू, इसलिए इसको एस बोला जाता है। एस इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एस इज इक्वल टू, एनआई अपॉन के। वेरी गुड, काफी लोगों को याद है एनआई अपॉन के, बट इसका लॉजिक कहां से आएगा, स्टेप 4 से आएगा।
तो स्टेप थ्री पे थोड़ा पेशेंस रखो, इसका लॉजिक कहां से मिलेगा आपको, स्टेप फोर से मिलेगा। तो स्टेप फोर एक लाइन छोड़कर लिखते, स्टेप फोर इज, अब बोलो आपके फर्म के पास इक्विटी छोड़कर और क्या है, डेट है ना, तो लिख दो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डी इज इक्वल टू, बोलिए मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डी बोलते हैं इसको सिंबॉलिकली, डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन केडी। ध्यान से सुनो इसका लॉजिक कहां से आएगा, स्टेप थ्री से नहीं आएगा, तो इधर ध्यान दो। अभी क्या करना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है क्या, बस वही लॉजिक याद रखना है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, देखो दोस्तों इंटरेस्ट इज इक्वल टू बोलो डेट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं अपन, केडी ना, यस। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, डेट इनटू केडी, इसी को मॉडिफाई करके डेट इज इक्वल टू बना दिया, तो क्या होगा वो केडी जो मल्टीप्लाइड है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और आपका फॉर्मूला बन जाएगा। आर यू विद मी, वेरी गुड, सही है। तो जो लॉजिक आपने स्टेप फोर में अप्लाई किया वही लॉजिक स्टेप थ्री में अप्लाई करो। नीचे स्टेप फोर में आपको डेट दिख रहा है, ऊपर क्या है इक्विटी है, डेट वालों को क्या पे करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट, तो वो न्यूमरेटर में आ गया। इक्विटी वालों को मैं क्या पे करता हूं, डिविडेंड। बट यहां के अजम्पशंस में ये भी लिखा है ऑल अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, क्या बोला, नो रिटेन अर्निंग्स, ऑल अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। तो मैं आपको क्या दे रहा हूं, डिविडेंड दे रहा हूं, मतलब कितना अमाउंट दे रहा हूं, फुल मतलब कितना, एनआई फुल मतलब कितना दे रहा हूं मैं आपको, पूरा एनआई दे रहा हूं एवरीबॉडी। तो इसलिए यहां पे जैसे इंटरेस्ट पे हो रहा है वैसे ऊपर क्या पे हो रहा है, एनआई। नीचे डेट था इसलिए आपने डिनोमिनेटर में केडी लिखा, ऊपर क्या है इक्विटी है तो डिनोमिनेटर में क्या लिखना चाहिए, के। तो यहां पर नीचे केडी है तो यहां पे आएगा के। आ गया स्टेप थ्री का लॉजिक स्टेप फोर से एवरीबॉडी। अब बोलो स्टेप थ्री में आपको क्या मिला, इक्विटी का वैल्यू, स्टेप फोर में क्या मिला, डेट का वैल्यू। मेरे फर्म के पास तीसरी चीज है क्या, सिर्फ इक्विटी एंड सिर्फ डेट है ना, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, फर्म का वैल्यू मिल जाएगा, क्यों नहीं, फर्म का वैल्यू जिसको हम सिंबॉलिकली वी बोलते हैं एवरीबॉडी। तो फिर स्टेप फाइव विल बी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म जिसको हम सिंबॉलिकली बोलते हैं वी, वी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एस प्लस डी, इक्विटी का वैल्यू प्लस डेट का वैल्यू फर्म का वैल्यू बन जाएगा। सो वी इज इक्वल टू एस प्लस डी एवरीवन। मेरे पास पूरे फर्म का वैल्यू आ गया है, अब मुझे पूरे फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं क्या बोलूंगा यहां पर, स्टेप लास्ट, क्यू इज इक्वल टू ई बी आई टी अपॉन वी इंटू 100। व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द लॉजिक, ध्यान से सुनो सब लोग, इसका लॉजिक यहां पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, पूरे कैपिटल का कॉस्ट निकालना है। कितने कैपिटल है आपके पास, दो, कौन से, डेट एंड इक्विटी, दोनों को डिनोमिनेटर में डाल दो, डेट एंड इक्विटी दोनों को डिनोमिनेटर में डाल दिया, दोनों के कॉस्ट को न्यूमरेटर में डालो। इक्विटी वालों का कॉस्ट क्या होता है, डिविडेंड बोल रहे हैं आप, डिविडेंड मतलब इधर क्या है, एनआई, एनआई मतलब क्या है, ईबीटी, क्या है, ईबीटी, प्लस डेट वालों का कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट आए, ईबीआईटी हो गया ना, न्यूमरेटर में क्या हो गया, ईबीआईटी, एंड नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, एस प्लस डी मतलब वी, एंड लास्ट में इनटू 100 बिकॉज परसेंटेज कॉस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग, तो ये आ गया आपका स्टेप नंबर सिक्स। कहां से शुरुआत की थी बताओ, ईबीआईटी माइनस क्या किया, इंटरेस्ट, क्या मिला, ईबीटी और एनआई। आर यू विद मी, थर्ड स्टेप वैल्यू ऑफ इक्विटी एस इज इक्वल टू एनआई अपॉन के, लॉजिक स्टेप फोर में देखेंगे। स्टेप फोर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन केडी, कहां से आया, इंटरेस्ट के फॉर्मूले से आया, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, डेट इनटू केडी, उसी को मॉडिफाई करके डेट इज इक्वल टू बनाया, तो वही लॉजिक स्टेप थ्री में अप्लाई किया। इधर नीचे डेट था इसलिए डिनोमिनेटर में केडी था, ऊपर इक्विटी इसलिए डिनोमिनेटर में के ही आएगा, नीचे डेट था इसलिए न्यूमिनेटर में जो डेट को पे होता है वो लिखा था मतलब इंटरेस्ट, वैसे ऊपर इक्विटी है तो इक्विटी वालों को जो पे होगा वो न्यूमरेटर में आएगा मतलब आएगा एनआई। एवरीबॉडी अब आपको मिल गया आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एज वेल एज मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, दोनों के वैल्यू को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे फर्म का वैल्यू मिल जाएगा। तो मेरा स्टेप नंबर फाइव क्या रहेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म वी बोलते हैं इसको। एंड लास्ट स्टेप नंबर सिक्स,
क्या आएगा? KO इज इक्वल टू EBIT अपॉन V इंटू 100. कैसे लॉजिक क्या है इसका? दोनों कैपिटल डिनोमिनेटर में, दोनों कैपिटल का कॉस्ट न्यूमरेटर में, लास्ट में इंटू 100. समझे कि नहीं? तो S प्लस D डिनोमिनेटर में डाला. S का कॉस्ट होता है NI, NI मतलब EBT. डेट का कॉस्ट होता है I, I मतलब इंटरेस्ट. सो EBT प्लस I कर दिया तो EBIT, S प्लस D कर दिया तो V, और लास्ट में इंटू 100 क्यों किया? परसेंटेज कॉस्ट के लिए. जेपा पूरे स्टेप लॉजिकली समझे? वेरी गुड. सो दिस वॉज योर NI अप्रोच. अब आप NI अप्रोच का कोई भी क्वेश्चन उठा लो आपको आ जाएगा. इसके बाद आप NI अप्रोच का कोई भी क्वेश्चन उठा लो आपको आ जाएगा, डोंट वरी. ठीक है, चलिए. तो ये था आपका NI अप्रोच. अब आते हैं NOI अप्रोच की तरफ. सेम एक्स एंड वाई एक्सिस, डेट इक्विटी का मिक्स, जीरो पर डेट 0% और इक्विटी 100%, और वाई एक्सिस पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. वाई एक्सिस पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब ये जो एनओआई अप्रोच है ये क्या बोलता है कि आपके डेट इक्विटी चेंज करने से आपका केडी चेंज नहीं होता है, मगर डेट इक्विटी चेंज करने से आपका केई चेंज होता है. लॉजिक क्या है ध्यान से सुनो. ये इक्विटी वाले लोग, आप डेट वाले लोग, आपसे मैंने 0% पैसा लिया है, मतलब पूरा पैसा इनका है. और इस डायग्राम में मैं कहां पर हूं? ओरिजिन पॉइंट पर हूं. एवरीवन ओके? नाउ आई स्टार्ट टेकिंग फंड्स फ्रॉम देम एंड आई रीपे योर फंड्स. यहां से रीपेमेंट चालू करेंगे. ठीक है, 10% लिया, 10% इन दोनों को वापस कर दिया, और 10% लिया पीछे के दो लोगों को वापस कर दिया, 10% लिया और दो लोगों को वापस कर दिया. देखते 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 50% डेट आ गया. बचे हुए लोग क्या सोच रहे हैं मन में? कंपनी पागल हो गया, कंपनी अपना फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा रहा है. क्योंकि डेट जब ऐड करते हो ना तो डेट के साथ फिक्स्ड कमिटमेंट भी ऐड हो रहा है. फॉर व्हाट? इंटरेस्ट. फॉर व्हाट? रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल. तो रिस्क है ना भाई. ये लोग सस्ते कैपिटल जरूर है मगर रिस्की है, बराबर कि नहीं? तो फिर इक्विटी वाले लोग सोचेंगे, अरे यार कंपनी का रिस्क तो बढ़ रहा है, अब मैं और अगर 10% लू तो ये लोगों को लगेगा कि कंपनी का डैश रिस्क बढ़ रहा है, फाइनेंशियल रिस्क. इसलिए इनके रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाते. हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स. जितना कंपनी रिस्की है उतना इनके रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा रहेंगे ना, क्योंकि कंपनी डूबेगी. आपको लगेगा कि आपका पैसा आपको जल्द से जल्द चाहिए. यस और नो? मैं और 10% ले रहा हूं इनको दे रहा हूं, और 10% इनको दे रहा हूं. तो बचे हुए लोग तो बोलेंगे, बॉस कंपनी अब तो डूबने में, क्योंकि कंपनी के पास 80% डेट है और 20% इक्विटी है. तो बचे हुए 20% जो लोग है वो बहुत कंफर्टेबल है क्या इक्विटी वाले लोग? इसका मतलब अगर मैं डायग्रामेटिकली सोचू तो नीचे केडी कॉन्स्टेंट है मगर ऊपर केई क्या हो रहा है? बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है. के क्यों बढ़ रहा है सर? क्योंकि इक्विटी शोल्डर्स को लग रहा है कि कंपनी का डैश रिस्क बढ़ रहा है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है. करेक्ट. एंड इसीलिए इनके रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे. आपका रिटर्न मतलब कंपनी के लिए तो कॉस्ट हो गया ना भाई. आप इन्वेस्टर हो, आपका रिटर्न कौन देने वाला है? कंपनी. तो आपका रिटर्न के एक्सपेक्टेशन बढ़ रहे मतलब कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा ना. तो के ही बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है. समझा क्या? और आप तो रियल ओनर्स हो इक्विटी वाले लोग, आपका तो टशन ही अलग होता है. तो आपके एक्सपेक्टेशंस भी एकदम आसमान छू जाते हैं अचानक से. रियल में ऐसा होता है. ठीक है. एंड व्हाट विल हैपन टू केओ? दोस्तों केओ विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट. उसका लॉजिक क्या है? दो चीजें होगी दोस्तों. जब मैं डेट ऐड करके इक्विटी को रीपे कर रहा हूं ना तो दो चीजें होगी. एक तो एनआई अप्रोच, जैसे डेट एक सस्ता कैपिटल है तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डैश होना चाहिए, कम होना चाहिए. मगर दूसरी तरफ केई बढ़ रहा है तो केई केओ का ही पार्ट है ना. ओवरऑल कॉस्ट में इक्विटी आता कि नहीं आता? आता है. इक्विटी का कॉस्ट अगर बढ़ रहा है तो ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ेगा. अंडरस्टूड? दो बातें हो रही है, एक सस्ता कैपिटल ऐड करने से केओ कम होना चाहिए, और दूसरा कि बचे हुए इक्विटी शोल्डर्स का कॉस्ट बढ़ रहा है, केई बढ़ रहा है, इसलिए केओ बढ़ना चाहिए.
ना क्यों घटेगा ना क्यों बढ़ेगा, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प ऑफ करेंगे, सेट ऑफ करेंगे और आपका क्यों क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। समझे कि नहीं? ये रीजंस कहीं लिखे नहीं है बुक में। बुक में क्या लिखा है मालूम है? द इन्वेस्टर्स इन डेट एंड इक्विटी लुक एट द फर्म एज अ होल विदाउट लुकिंग इनटू द डेट इक्विटी एंड देयरफॉर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिमेन कॉन्स्टेंट। क्या समझा तुमको? इन्वेस्टर्स इन द डेट एंड इक्विटी लुक एट द फर्म एज अ होल विदाउट गिविंग इंपॉर्टेंस टू डेट इक्विटी मिक्स एंड देयरफॉर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिमेन कॉन्स्टेंट। ये बुक किस लैंग्वेज है? रियल लॉजिक उसका क्या है कि एक सस्ता कैपिटल ऐड हो रहा है डेट वाला, इससे केओ कम होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम केई बढ़ रहा है तो केओ बढ़ना चाहिए। ये दोनों रीजंस एक दूसरे को एग्जैक्ट कंपनसेट करेंगे और केओ ना घटेगा ना केओ बढ़ेगा, कॉम्प ऑफ होकर वो कॉन्स्टेंट रहेगा, कंपनसेट होकर वो कॉन्स्टेंट रहेगा। समझे? अब बताइए कि इस थ्योरी में दोस्तों, इस थ्योरी में क्या लगता है आपको, क्या दिया रहेगा और क्या पूछा रहेगा? के डी दिया है, के ओ दिया है और के ही पूछा है। क्यों? जो चेंज होता है वो पूछते हैं, जो कांस्टेंट है वो दिया रहेगा। इज दिस क्लियर? मतलब हमारा टारगेट क्या है, कहां तक पहुंचना है? के ही तक पहुंचना है। ठीक है, चलो रेडी हो आप लोग? स्टेप वन बोलिए, विल योर स्टेप वन चेंज? नो, your operating part is still not changing with the change in debt equity na, isliye EBIT will remain same, first step. Second step, will it change? No, EBIT or NI is equal to EBIT minus interest. ठीक है, third step, third step क्या था दोस्तों? Market value of equity, उसका formula क्या था? NI upon KE. इस थ्योरी में आपके पास के ही है क्या? के ही तो चेंज हो रहा है ना भाई, तो के ही गिवन नहीं रहेगा, आपको ढूंढना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो फिर ऐसे केस में आपको थर्ड स्टेप में के ही नहीं रहने की वजह से वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने नहीं आएगा। चलो के ही नहीं है मगर क्यों तो है ना, वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं आया मगर वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। सुनो मेरे सेंटेंस को, ठीक है के ही नहीं दिया है वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं आएगा, मगर क्यों दिया है तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। तो फिर वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा तो डायरेक्टली मार्केट वैल्यू ऑफ क्या लेंगे, फर्म, जिसको सिंबॉलिकली हम वी बोलते हैं। पिछले थ्योरी का स्टेप सिक्स याद है क्या? मॉडिफाई करो और उसे बना दो वी इज इक्वल टू, बोलो, ई बी आई टी अपॉन क्यो। कहां से आया सर ये स्टेप? पिछले थ्योरी का स्टेप सिक्स। स्टेप सिक्स क्या था याद है क्या? KO is equal to EBIT upon V into 100. उसी को मॉडिफाई करके बना दिया V is equal to, सर वो into 100 किधर गया सर? अरे वो जो तुम KO लिख रहे हो वो परसेंटेज में लिखोगे भाई, उसमें into 100 का इंपैक्ट आ गया है। राइट? नाउ फोर्थ स्टेप चेंज करने की जरूरत है क्या? व्हाट वाज फोर्थ स्टेप? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। यस, नो प्रॉब्लम। वैल्यू ऑफ डेट सिंबोलिकली क्या बोलते हैं इसको? डी इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला क्या था? इंटरेस्ट अपॉन केडी। सर इसको क्यों नहीं चेंज किया? बिकॉज डायग्राम देख लो, केडी कॉन्स्टेंट है मतलब गिवन है, केडी कॉन्स्टेंट है मतलब ही केडी गिवन रहेगा ना। समझे कि नहीं सब लोग? अब बताओ स्टेप थ्री अच्छे से देखो और स्टेप फोर देखो। बताओ स्टेप थ्री में क्या है आपके पास? पूरे फर्म की वैल्यू। स्टेप फोर में क्या है? डेट वालों की वैल्यू। इक्विटी वैल्यू आ जाएगी, कैसे आएगी? पूरे फर्म की वैल्यू में से इनकी वैल्यू हटा दो, बची हुई वैल्यू आपकी है। समझे कि नहीं? तो फिर मुझे स्टेप फाइव बताओ क्या लिखूं? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जिसको सिंबॉलिकली मैं एस बुलाता हूं, क्या फॉर्मूला रहेगा? वी माइनस डी। क्यों आ रहा है ऐसा फॉर्मूला? बिकॉज वी इज इक्वल टू एस प्लस डी, पिछले थ्योरी का स्टेप फाइव। राइट फ्रेंड्स? एंड नाउ स्टेप सिक्स। स्टेप सिक्स क्या था आपका? कहां तक पहुंचना था आपको? केओ, केओ नहीं रे, केई, केई चेंज हो रहा है ना, तो केई तक पहुंचना है तेरे को। के ई इज इक्वल टू
बोलिए, आपके पास फाइव फिफ्थ स्टेप में वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई है, इनका कॉस्ट निकालना है। पिछले थ्योरी का स्टेप थ्री देख, पिछले थ्योरी का स्टेप थ्री देख और बता। एनआई अपॉन एस इंटू 100, कहां से आया ये लॉजिक? ये पिछले थ्योरी का स्टेप थ्री है जिसका फॉर्मूला था एस इज इक्वल टू एन आई अपॉन के। एवरीबॉडी जी, बाकी नहीं। यस, गुड वन, गुड वन। नाउ यू गॉट योर के ऑल्सो, दैट वॉज योर लास्ट स्टेप ऑफ एनआई, एनआई अप्रोच। एनआई अप्रोच का ये लास्ट स्टेप था के ही पहुंच, के ही तक पहुंचना। तो आप मुझे स्टार्टिंग से स्टेप्स बताओगे, बोलिए स्टार्टिंग से स्टेप्स बताएंगे। पहला स्टेप ईबीआईटी, दूसरा स्टेप ईबीटी और एनआई इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। स्टेप थ्री वैल्यू ऑफ फर्म, किसको यूज करेंगे? केओ। बोलो फॉर्मूला, ईबीआईटी अपॉन केओ। स्टेप फोर वैल्यू ऑफ डेट, डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन केडी। अब स्टेप फाइव क्या रहेगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी, पूरे फर्म के वैल्यू वी में से डेट के वैल्यू डी हटा दे, वी माइनस डी करेंगे तो एस आ जाएगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। अब लास्ट स्टेप है के, के इज इक्वल टू एन आई अपॉन एस इंटू 100। समझे कि नहीं? चेक कर लो आपके स्टेप्स। एनओआई अप्रोच पे कुछ भी आ गया तो आप ये स्टेप के बेसिस पर आप सॉल्व कर सकते हो। ओके एवरीवन, नाउ कमिंग टू थर्ड अप्रोच। थर्ड अप्रोच कौन सा है? ट्रेडिशनल अप्रोच पहले पढ़ते फिर एमएम पे जाते, ठीक है? या चलो एमएम पहले ले लेते, बिकॉज एमएम इज एनीवेज एक्सटेंशन ऑफ एनओआई, ठीक है? एमएम अप्रोच ये थ्योरी में क्या बन गया? थर्ड नंबर का थ्योरी, एमएम अप्रोच। ये अप्रोच बोलता है इट इज अ रिफाइनमेंट ऑफ एनओआई, अपनी भाषा में इंस्पायर्ड बाय एनओआई, अपनी और अलग भाषा में कॉपी ऑफ एनओआई। क्योंकि एनओआई ने जो चार बातें बोली इन्होंने भी वही बोली। केडी कांस्टेंट है, के बढ़ेगा, केओ कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ फर्म भी कांस्टेंट है। क्या बोला वो तो बताओ? केडी कांस्टेंट है, के इंक्रीजिंग रहेगा, केओ कांस्टेंट रहेगा, वैल्यू ऑफ फर्म वी भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये सेम बात इधर भी बोली है। एट द सेम टाइम इन्होंने क्या बोला मालूम है? दो एडिशनल प्रपोजिशन डाले, दो एडिशनल चीजें डाली, ठीक है? तो यहां पे हम लिखेंगे रिफाइनमेंट ऑफ एनओआई अप्रोच विथ टू एडिशनल प्रपोजिशन। रिफाइनमेंट ऑफ एनओआई अप्रोच विथ टू एडिशनल प्रपोजिशंस। दो अलग बातें, क्या दो अलग बातें बोली मालूम है आपको? पहला बात इन्होंने बताया, इफ टू कंपनीज बिलोंग टू होमोजिनस रिस्क क्लास, इफ टू कंपनीज बिलोंग टू होमोजिनस रिस्क क्लास देयर मार्केट प्राइस पर शेयर शुड बी सेम, देयर मार्केट प्राइस पर शेयर शुड बी सेम। ये प्रपोजिशन नंबर वन था। प्रपोजिशन नंबर टू बोला इफ फॉर एनी मोमेंट इट इज नॉट सेम, आर्बिट्रेज प्रोसेस विल मेक इट सेम। समझा? इफ फॉर एनी मोमेंट इट इज नॉट सेम, आर्बिट्रेज प्रोसेस मतलब बाइंग एंड सेलिंग विल मेक इट सेम। क्या बोला प्रपोजिशन वन? इफ टू कंपनीज बिलोंग टू होमोजिनस रिस्क क्लास, ये क्या होता है होमोजिनस रिस्क क्लास? सेम रिस्क क्लास कब बोलते मानो में? जब दो कंपनीज का कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है, कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं बोला, कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है और उनका ईबीआईटी भी सेम है तो बन जाएंगे ये होमोजिनस रिस्क क्लास। क्या दो दो क्राइटेरिया क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड सेम होना चाहिए, ईबीआईटी भी सेम होना चाहिए, तो क्या कहलाते हैं ये कंपनीज? होमोजिनस रिस्क क्लास। अब ये अप्रोच क्या बोलता है? अरे भाई ये दो कंपनी होमोजिनस रिस्क क्लास में है, कैपिटल एम्प्लॉयड सेम दिख रहा है, ईबीआईटी सेम दिख रहा है, हमारे मुताबिक इनका मार्केट प्राइस पर शेयर भी सेम होना चाहिए।
अरे 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 नहीं है क्या सेम? प्रपोजिशन नंबर टू विल कम इनटू पिक्चर इफ फॉर एनी मोमेंट इट इज नॉट सेम, आर्बिट्रेज प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, बाइंग सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड इट विल मेक इट सेम. समझे? तो वहां पे लिखो टू एडिशनल प्रपोजिशन जो बोला ना, तो वहां पर फर्स्ट प्रपोजिशन इसको ए बोलाएंगे, प्रपोजिशन ए, इफ टू कंपनीज आर इन सेम रिस्क क्लास इनटू ब्रैकेट कैपिटल एम्प्लॉयड सेम, कैपिटल एम्प्लॉयड सेम एंड ईबीआईटी ऑल्सो सेम, कैपिटल एम्प्लॉयड सेम, ईबीआईटी ऑल्सो सेम, देन मार्केट प्राइस पर शेयर इज ऑल्सो सेम, देन मार्केट प्राइस पर शेयर ऑब्वियसली दोनों कंपनी का इज ऑल्सो सेम. प्रपोजिशन टू, इफ फॉर एनी मोमेंट इट इज नॉट सेम, इट इज नॉट सेम कॉमा, आर्बिट्रेज प्रोसेस मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग विल मेक इट सेम, बाइंग एंड सेलिंग विल मेक इट सेम. इफ फॉर एनी मोमेंट इट इज नॉट सेम, आर्बिट्रेज प्रोसेस मीन्स बाइंग सेलिंग विल मेक इट सेम. समझे? इसके ऊपर एक प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको इसके अंदर बेटर क्लैरिटी मिलेगी. इसमें बहुत से टाइप होते हैं, लिवरेज फर्म टू अनलिवरेज फर्म, अनलिवरेज फर्म टू लिवरेज फर्म, बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं. हमारे क्वेश्चनियर में इस पर मैंने सभी वैरायटी कवर की है. ठीक है, सो डोंट वरी, जब हम क्वेश्चनियर पे जाएंगे तब मैं आपको लॉजिक्स के साथ सब समझा दूंगा. नाउ कमिंग टू लास्ट अप्रोच, विच इज योर लास्ट अप्रोच. इसके कोई स्टेप्स नहीं है, एमएम अप्रोच के कोई स्टेप्स नहीं है, ट्रेडिशनल के भी कोई स्टेप्स नहीं है. एमएम के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो शायद हम खुद स्टेप बना लेंगे कि किसके बाद हमें क्या करना चाहिए. ओके, नाउ कमिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, राइट देयर फोर्थ नंबर. ट्रेडिशनल अप्रोच, ये सबसे ज्यादा रियलिस्टिक मॉडल है. ट्रेडिशनल अप्रोच, एक्स एक्सिस पर फिर से डेट इक्विटी मिक्स है, वाई एक्सिस पर फिर से कॉस्ट ऑफ कैपिटल है एंड ये बोलता है कि ऐसा केडी और ऐसा केई बोलना ही गलत है. लिखो, ड्रॉ मत करो, बोल रहा हूं मैं, बोलना ही गलत है. आप ड्रॉ कर दोगे, बोलना ही गलत है, मतलब इनके मुताबिक ऐसा हो ही नहीं सकता. ऐसा आपको किसने बोला था? केडी एंड केई, आपने, मतलब मैंने नहीं बोला था. पहला अप्रोच, एनआई अप्रोच, ये बोलता है बिल्कुल नहीं होगा ऐसा. ठीक है, मान लिया नहीं होगा, फिर क्या होगा? दूसरे अप्रोच में अपन ने बोला था कि केई ऐसा रहेगा, ये किसने बताया था आपको? एनओआई. तो ये बोलता है ऐसा भी नहीं होगा कुछ, ये भी गलत ही है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है? ये दोनों के लिए रीजंस बताया उन्होंने. और इन्होंने बोला कि भाई साहब, ना केडी कांस्टेंट रहेगा ना केई रहेगा. ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला इनसे, डेट ले रहा हूं. अरे ये बैंक है, ये पागल है क्या मुझे डेट देने के लिए सेम रेट से? आपको रिस्क ज्यादा लग रहा है, इनको रिस्क ज्यादा नहीं लगेगा, इनका पैसा बढ़ रहा है ना भाई. तो ये लोग बोलेंगे ठीक है यार, 40-50% तक पैसा आपका भी था, हमारा भी था, सब कुछ सही था. अब तुम बोल रहे हो 60% दे दो, 40 ही रखते हैं इनका. फिर कुछ टाइम बाद आ रहे हो, बोल रहे हो 70% दे दो, इनका 30% रखेंगे. और मुंह उठाकर आ गए और बोले और दे दो 10%, इनका 20% रखे, आपके 80%. मतलब धीरे धीरे बैंकर का रिस्क भी तो बढ़ रहा है. तो बैंक क्या बोलेगा? जहां हमारा रिस्क बढ़ रहा है तो हमारे रिटर्न्स भी बढ़ने चाहिए. इस वजह से अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच एक ऐसा लिमिट रहेगा जहां तक बैंक आपको कंफर्टेबली क्या देगा? लोन देगा.
उस लिमिट को यहां तक रख दो सपोज, उस लिमिट के बाद अगर आपको और लोन चाहिए तो केडी क्या होगा, बढ़ेगा। एवरीवन विद मी, क्यों बढ़ेगा समझ गया? ओके, एट द सेम टाइम जो एनओआई अप्रोच बोलता था ना कि केई बढ़ेगा, ये बोलता है बराबर है, जैसे जैसे डेट का कैपिटल बढ़ रहा है इक्विटी शेयरहोल्डर्स को समझ जाएगा कि कंपनी का डैश रिस्क बढ़ रहा है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली उनके रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगे, उनके रिटर्न्स मतलब कंपनी के लिए क्या है, कॉस्ट, तो फिर केई बढ़ेगा। ऐसा दिखेगा आपको केई, यस और नो? यस। नाउ ट्रेडिशनल अप्रोच सेज कि ये होने के बाद, ऐसा एक बार डिसाइड हो गया कि ऐसा होने वाला है, तो उसके बाद इस डायग्राम को तीन पार्ट में डिवाइड करो, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। फेज वन की तरफ ध्यान दे सिर्फ, और बता फेज वन कैसा दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है मत बोलो। फेज वन किसकी तरह दिख रहा है? देखो ना, फेज वन नीचे केई कांस्टेंट है, ऊपर केई कांस्टेंट है, एनआई अप्रोच है ना? यस। तो फेज वन इज एनआई अप्रोच जैसा फेज। फेज टू की तरफ सिर्फ ध्यान दे और बता फेज टू किसकी तरह है? यस, एनओआई की तरह है, क्योंकि नीचे केडी कांस्टेंट है और ऊपर केई बढ़ रहा है, तो ये बन गया किसके जैसा? एनओआई जैसे। फेज थ्री किसी के जैसे नहीं, इंडिविजुअली अपने आप में एक अलग चीज है, क्योंकि पहली बार दोनों चीजें चेंज हो रही है, केडी भी चेंज हो रहा है और केई भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हमारा जो केओ है वो ऑब्वियसली कहां से शुरू होगा? केई से। क्यों केई से? वापस लॉजिक वही है, जीरो पे डेट तो 0% है और इक्विटी 100% है। अब धीरे धीरे एक्स एक्सिस पर तू आगे बढ़ रहा है, डेट को बढ़ा रहा है और इक्विटी को कम कर रहा है, करेक्ट? तो एनआई अप्रोच क्या बोलता था? केओ क्या होगा? फॉल फॉल फॉल। तो ऐसे ही होगा ना, बराबर है कि नहीं? सर फॉलिंग क्यों है? एनआई अप्रोच, केओ फॉलिंग ही तो था। लॉजिक क्या था सर उसका? आप डेट सस्ता कैपिटल यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, करेक्ट? महंगा कैपिटल इक्विटी था, आप उसको रीपे कर रहे हो, ऑब्वियसली आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा। नाउ एनओआई अप्रोच क्या बोलता था? केओ कांस्टेंट रहेगा, तो ये जो फॉलिंग होने वाला पोर्शन है इसको अचानक से ऐसा कांस्टेंट कर दूं क्या? पॉसिबल नहीं है ना एवरीबॉडी। ये फॉलिंग पोर्शन जो है ना, ये कंटिन्यू टू फॉल होकर इधर पहुंचेगा, मतलब बॉटम पर, और फिर वो राइज होना चालू हो जाएगा और इधर पहुंचेगा। वो कांस्टेंट कैसे रहेगा मालूम है आपको? जितना स्टार्ट ऑफ द स्टेज था ना उतना ही एंड ऑफ द स्टेज रहेगा, उस एंगल से कांस्टेंट रहेगा वो। अब ध्यान दो, वो फॉलिंग क्यों हुआ और जीरो मतलब नीचे तक कैसे पहुंचा? दोस्तों वो इसलिए फॉल हुआ और नीचे तक पहुंचा क्योंकि आपका केई का बढ़ने का स्पीड कम है अभी तक, समझे कि नहीं? स्टार्ट, ये जो सेकंड फेज है, इस सेकंड फेज के मिड तक सोचो, तो मिड तक आप देख रहे हो केई बहुत ही स्लो बढ़ रहा है, मगर बाद में केई फास्ट बढ़ रहा है, दिख रहा है क्या आपको? ये केई इधर तक ही पहुंचा था अभी तक, तो इसके बाद केई और भी आगे पहुंच गया ना, तो जो सस्ता कैपिटल था ना उसका इंपैक्ट ज्यादा था इसलिए बॉटम तक पहुंच गया वो। अब उसके बाद केई फास्ट बढ़ने लग गया इसलिए वो सस्ते कैपिटल का इंपैक्ट कम हो गया और केई बढ़ने आपका केओ बढ़ने लग गया। अंडरस्टूड? तो वो क्या हुआ? फॉल हुआ, बॉटम तक पहुंचा और राइज हुआ। थर्ड स्टेज देखो अच्छे से, केडी बढ़ रहा है, केई बढ़े जा रहा है, केओ क्या होगा? बढ़ेगा ना, क्योंकि केई एंड केडी का कॉम्बिनेशन ही तो केओ है, दोनों बढ़ रहे तो ऑब्वियसली केओ तो बढ़ेगा ना एवरीवन। सो दिस इज योर ट्रेडिशनल अप्रोच। यू नो व्हाट? अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच फर्म शुड ऑलवेज ऑपरेट इन डैश फेज। फर्म शुड ऑलवेज ऑपरेट सेकेंड फेज। क्यों? क्योंकि सेकेंड फेज में केओ सबसे कम है, मतलब इधर दिख रहा है क्या? केओ सबसे कम है, तो ये जो भी डेट इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, सपोज इधर जो भी डेट इक्विटी का मिक्स है वो सबसे बेस्ट है,
उधर सपोज 30% डेट है, 70% इक्विटी है तो बेस्ट है। उधर अगर 60% इक्विटी और 40% ही डेट है बेस्ट है। क्यों बेस्ट है सर वो? इसको बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि वहां पर, बिकॉज वहां पर आपका क्यों क्या हो रहा है, सबसे कम। इसका मतलब दोस्तों वैल्यू ऑफ फर्म सबसे ज्यादा आएगा उधर, क्यों सबसे कम मतलब वैल्यू ऑफ फर्म सबसे ज्यादा आएगा। सर वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा क्यों आएगा? वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी अपॉन क्यों है ना। अब बोलो क्यों जहां सबसे कम है वहां डिनोमिनेटर सबसे कम है तो वहां पे आंसर सबसे ज्यादा आएगा ना। इतना मैथ्स तो आता है अपने को कि आपका वी का फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन क्यों, क्यों जितना कम, डिनोमिनेटर जितना कम आंसर उतना ज्यादा, वैल्यू ऑफ फॉर्म उतना ज्यादा। करेक्ट है क्या? और हमने चैप्टर नंबर वन की थ्योरी में देखा है कि हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है, शेयर्स की वैल्यू बढ़ाना, फर्म की वैल्यू बढ़ाना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रहा है ना इधर। यस, तो कोई भी फर्म ने कहां ऑपरेट करना चाहिए, फेज टू, कहां पर, केओ मिनिमम पर। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि वहां पर केओ सबसे कम है और वैल्यू ऑफ फर्म सबसे ज्यादा है। अंडरस्टूड? यस। तो ये थे आपके चार थ्योरीज। कौन से चार थ्योरीज कवर की हमने? एनआई, एनओआई, एमएम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में भी कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता क्योंकि हर चीज चेंजिंग है, तो देंगे क्या और पूछेंगे क्या, समझे? कुछ कुछ क्वेश्चन रहते बोलने के लिए बोलते ट्रेडिशनल अप्रोच, और दिया रहता है केडी इज 9%, मतलब वो केडी का वैल्यू गिवन कर कर आपको कुछ और निकालने बोल रहे। तो या तो एनआई या तो एनओआई, दोनों में से कोई भी स्टेप्स यूज करके आपको आंसर यूज करना, आंसर सॉल्व करने आना चाहिए, वो ट्रेडिशनल थ्योरी का क्वेश्चन है ही नहीं, समझे? ट्रेडिशनल थ्योरी पे एज सच कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन एज सच नहीं आ सकता। सो ये था आपका ट्रेडिशनल थ्योरी, ट्रेडिशनल अप्रोच। नाउ फ्रेंड्स, सेकेंड पार्ट पे जाने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि आज का जो क्लास है ये हमारा लगभग इधर तक ही रहेगा, ठीक है? और आप, आज क्या डेट है? 7th, 8th से लेकर 11th तक, अभी गणपति विसर्जन का 2 दिन तो पूरा जैम होता है यहाँ पर, तो 2 दिन तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है आपको इधर पहुंचना, और एक दिन संडे 11th। तो व्हाट आई एम डूइंग इज 8th को मैं एडिशनल आपको एक छुट्टी दे रहा हूँ, मतलब कल कल 8th का एडिशनल एक छुट्टी रहेगा, 9th 10th विसर्जन का छुट्टी रहेगा, एंड 11th को संडे का छुट्टी रहेगा, मतलब हम लोग वापस कब मिल रहे हैं? 12th को। तो कल से लेकर आपको 11th तक क्या करना है, जितने क्वेश्चंस आपको जहां से भी उठाकर सॉल्व करने हैं, लेवरेज पर, फर्स्ट चैप्टर चैप्टर पर, या अभी तक के ये थ्योरीज पर, ये करने का प्रैक्टिस करो। रुकोगे कहीं पर कुछ नहीं आएगा, कहीं पर कुछ आएगा चलेगा, मगर कुछ नहीं किया सबसे वर्स्ट होगा, समझ गए क्या एवरीबॉडी? एंड हम लोग जब रिज्यूम बैक करेंगे ना, तो आपको एक थोड़ा सा ब्रेक भी मिला रहेगा फ्रॉम रेगुलर क्लास, आपका प्रैक्टिस भी हुआ रहेगा, आपके डाउट्स भी रहेंगे, तो क्लास लेने में और मजा आएगा। हम लोग जब रिज्यूम करेंगे तो उसके बाद एवरी डे जो है वो हमारा क्लास का टाइमिंग 5:15 ही रहेगा, 5 या 5:15, जो भी फिजिबल है अपने लिए। शायद ऑडिट रहता है ना इसके पहले, रवि सर का कब खत्म होता है सर का ऑडिट? 5 बजे, ठीक है, 5:15 को स्टार्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर क्वार्टर टू 7 की जगह हम 7 तक लेंगे। डेली 15 मिनट्स भी लेने से ये छुट्टियां भी कवर हो जाएंगी, डोंट वरी। और ना आपके टाइम की चिंता आपसे ज्यादा मुझे, क्योंकि हमको मालूम है नैया पार हमको ही करानी है, और वो नैया पार मतलब पास नहीं है, 80 पार है, बराबर है कि नहीं? तो हमने चार थ्योरीज पढ़े, इनका रिविजन आप घर जाके करोगे। एक काम करना, फॉर्मूला बुक में एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच के स्टेप्स विदाउट देखे लिखना, और हो सके तो ट्रेडिशनल डायग्राम पूरा एक बार ड्रॉ करके देखना। एमएम अप्रोच के प्रोपोजिशंस 2 थे, वो भी रिविजन के तौर पर याद करना, और एमटीपी, आरटीपी, पास्ट एग्जामिनेशन, जो भी आपको इन चैप्टर रिलेटेड मिलते हैं ये सब सॉल्व कर देना। क्लियर एवरीवन? चलो अब हमारे पास है 5 मिनट है, 5 मिनट में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस इंपॉर्टेंटली हम लोग फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और इंडिफरेंस पॉइंट की बात करेंगे। रेडी हो ना सब लोग? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट तो आपको आता है ऑलरेडी, बट वो ब्रेक इवन पॉइंट ऑपरेटिंग था, ये कौन सा है? फाइनेंशियल। चलो सो गाइस, मेन पॉइंट
लिखो मेरे साथ ब्रेक इवन पॉइंट, कितने टाइप के हैं? दो। ब्रेक इवन पॉइंट दो टाइप के होते हैं। पहला ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, और दूसरा जो इस चैप्टर में आता है वो है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। ऑपरेटिंग पार्ट याद है आपको? अरे कल वो बोला जो, बोलो एक बार, सेल्स माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट क्या मिलेगा? ईबीआईटी मिलेगा, बराबर? ओके ध्यान दो, अभी सेल्स लेस हुआ वेरिएबल कॉस्ट मिला कॉन्ट्रीब्यूशन, लेस हुआ फिक्स कॉस्ट मिला ईबीआईटी। हम लोग जब ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ रहे थे कॉस्टिंग में, तब हमने देखा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट मतलब एक ऐसा लेवल ऑफ सेल्स, ऐसा कौन सा लेवल ऑफ सेल्स जहां पर प्रॉफिट्स जीरो है, नो प्रॉफिट नो लॉस, रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, याद आया? ओके नाउ सेम लॉजिक हम लोग फाइनेंशियल पार्ट पे लगाएंगे। फाइनेंशियल पार्ट याद है क्या? चलो बोलो, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्सेस, ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, एनआई, और उसके बाद आता है आपका ईपीएस। ये हो गया आपका फाइनेंशियल पार्ट। तो आप बताएंगे मुझे कि क्या होना चाहिए इधर का लॉजिक, ऐसा कौन सा लेवल ऑफ ईबीआईटी है जहां पर, अरे बोलो, ईपीएस या एनआई जीरो है। एवरीबॉडी, ऐसा कौन सा लेवल ऑफ ईबीआईटी है जहां पर ईपीएस या एनआई कुछ भी बोलो कितना है? जीरो। समझा? तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल तरीका, तीन तरीके। तरीका एक लॉन्ग मेथड क्या है, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, लेट द ईबीआईटी बी एक्स, तो पर्टिकुलर्स कॉलम में ईबीआईटी लिखेंगे, अमाउंट कॉलम में एक्स लिखेंगे, लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा, फिर ईबीटी विल बी सम एक्स माइनस समथिंग, फिर उसको ऐसा एंड तक सॉल्व करेंगे, फिर जो भी एनआई आएगा उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे, इज इक्वल टू जीरो रखकर सॉल्व करेंगे। कितना लेंदी हो गया? ये तरीका नंबर एक है जो हम कभी यूज नहीं करते। तरीका नंबर दो जो हम यूज कर भी सकते अगर हमें इंडिफरेंस पॉइंट नहीं पूछा तो, सिर्फ फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पूछा, तो तरीका नंबर दो बहुत ईजी है। सीधा सीधा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का क्या करने का? फॉर्मूला बनाने का। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस पीडी अपॉन वन माइनस टैक्स। ध्यान से सुनो लिखने के पहले। क्या करना है आपने को? एनआई जीरो चाहिए तेरे को, बराबर? ओके एवरीबॉडी, तो क्या क्या पे करना है सीबीआईटी में से? इंटरेस्ट पे करना है, टैक्स पे करना है, पीडी पे करना है। कुछ समझे कि नहीं? तो फिर इंटरेस्ट पे करना है तो इंटरेस्ट ले लिया, ले लिया क्या इंटरेस्ट? यस। पीडी पे करना है मगर पीडी, सिर्फ पीडी नहीं पे कर सकते, पहले पे करना पड़ता है टैक्स, तो पीडी को बना दो बिफोर टैक्स, जो हमने कहा किया था लिवरेज में, वही लॉजिक इधर भी आता है आपका। तो पीडी डिवाइडेड बाय वन माइनस टी मतलब क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स। तो ये आ गया मेरा डायरेक्टली फॉर्मूला, लिख लो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, तीसरा लॉजिक हम तब यूज करते हैं जब क्वेश्चन में हमें दोनों चीजें सॉल्व करनी है, इंडिफरेंस पॉइंट भी चाहिए, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी चाहिए। तब हम बोलते हैं लेट ईबीआईटी बी एक्स, ठीक है, अब एक्स माइनस करो इंटरेस्ट, क्या है ये ब्रैकेट? अरे वो ब्रैकेट क्या है? ईबीटी है ना? एवरीवन विद मी? बिकॉज एक्स वाज ईबीआईटी, माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट क्या आता है? ईबीटी। तो कैन आई कॉल दिस ब्रैकेट एज ईबीटी? अच्छा, इसको आफ्टर टैक्स बनाओ ना, फिर इन
इंटू वन माइनस टैक्स इंटू वाई इंटू आफ्टर टैक्स करना है, इसमें बिफोर टैक्स नहीं करना है ना, इसलिए डिवाइड ही नहीं किया अपन ने, मल्टीप्लाई किया. एनीथिंग इंटू वन माइनस टैक्स इज आफ्टर टैक्स. तो ईबीटी इंटू वन माइनस टैक्स इज ईएटी. ये जो आपके सामने दिख रहा है ये पूरा पार्ट क्या है, ईएटी. अब इस ईएटी में से क्या करेंगे लेस तो हमें एनआई मिलेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड. क्या मिल गया ये एनआई, एनआई को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करेंगे तो क्या मिला, क्या मिला ये ईपीएस. ईपीएस को इज इक्वल टू जीरो रखकर सॉल्व कर ले, फॉर्मेट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ना इसका मतलब, मेथड वन जैसे समझा, मेथड वन तो फॉर्मेट ड्रॉ कर सॉल्व कर, मेथड जो वन तो कभी यूज नहीं होगा हमारे पास से. मेथड टू बोलता है डायरेक्टली ऊपर का फॉर्मूला यूज कर, इंटरेस्ट प्लस पीडी अपॉन वन माइनस टैक्स और आंसर आ जाएगा. मगर मेथड थ्री जो है ये इंडिफरेंस पॉइंट के लिए भी काम में आता है, इसलिए हम लोग ये मेथड तब यूज करते हैं जब इंडिफरेंस पॉइंट भी पूछा है. और हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, इंटरेस्ट सॉरी एक्स माइनस इंटरेस्ट मतलब ईबीटी इंटू वन माइनस टैक्स मतलब ईएटी माइनस पीडी मतलब एनआई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मतलब ईपीएस इज इक्वल टू जीरो. इसको रखकर सॉल्व कर लो, समझे. ये था आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, लास्ट पार्ट अभी इंडिफरेंस पॉइंट. इंडिफरेंस पॉइंट मतलब क्या दोस्तों, आपको प्लान वन प्लान टू दिया है, इन दो प्लान के बीच आप इंडिफरेंट कब रहोगे देख लो अच्छे से. प्लान वन प्लान टू दोनों का ईबीआईटी है, माइनस इंटरेस्ट होगा दोनों में मिलेगा ईबीटी, माइनस टैक्स होके दोनों में आएगा ईएटी, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड करके दोनों में आएगा एनआई, फिर दोनों का क्या निकलेगा ईपीएस. मुझे बोलो इंडिफरेंस पॉइंट मतलब आप प्लान वन और प्लान टू में से किसी भी प्लान के साथ कंफर्टेबल हो, आपको कोई फर्क नहीं करता आपको प्लान वन दू में या प्लान टू दू. ऐसा कब होगा, जब दोनों का ये लेवल ऑफ ईबीआईटी और ये लेवल ऑफ ईबीआईटी जो भी है वो सेम है और रिजल्टेंट इसका ईपीएस भी सेम है एवरीबॉडी. फिर बीच में इंटरेस्ट कितना गया, टैक्स कितना गया, पीडी कितना गया, तेरे को क्या करने का है, एंड रिजल्ट सेम है, स्टार्ट रिजल्ट सेम है, तो तेरे को मैं प्लान वन दू या प्लान टू दू तेरे को कोई फर्क नहीं करना चाहिए. इसको क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस पॉइंट. राइट देयर इट इज सच अ लेवल ऑफ ईबीआईटी. हेडिंग दिया क्या, इंडिफरेंस पॉइंट, इंडिफरेंस पॉइंट हेडिंग दो और वहां लिखो इट इज सच अ लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच, such a level of EBIT at which EPS under two plans is dash same. such a level of EBIT मतलब EBIT तो same ही हो गया, such a level of EBIT at which EPS under two plans is same. अब आप बताओ मुझे, अगर ये प्लान वन है जिसका एक्स ले लिया मैंने ईबीआईटी, उसका प्लान वन का इंटरेस्ट माइनस किया क्या मिला, प्लान वन का ईबीटी, इसको इनटू वन माइनस टैक्स किया प्लान वन का ईएटी, माइनस प्लान वन में अगर प्रेफरेंस डिविडेंड रहेगा तो वो लेस किया प्लान वन का एनआई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करेंगे तो प्लान वन का ईपीएस ऑब्वियसली शुड बी इक्वल टू प्लान टू का ईपीएस. प्लान टू की ईपीएस में अपन वापस एक्स माइनस इंटरेस्ट कर रहे हैं मगर इंटरेस्ट किसका है, प्लान टू का है. तो ये क्या है, प्लान टू का ईबीटी, यस और नो, इसको इनटू वन माइनस टैक्स किया प्लान टू का ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अगर प्लान टू में प्रेफरेंसेस रहेंगे तो, और दैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ प्लान टू. इन दोनों के बीच साइन कौन सा है, इक्वल, मतलब प्लान वन का जितना ईपीएस है उतना ही प्लान टू का ईपीएस. तो आपको मैं दोनों में से कोई भी प्लान दूं आपको कोई फर्क नहीं करेगा, समझे क्या. और यही सेम चीज अगर मुझे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना होता है तो मैं इस प्लान का एक प्लान का जो भी ईपीएस आपको दिख रहा है उसको इज इक्वल टू दूसरा प्लान का ईपीएस नहीं लिखता हूं, इज इक्वल टू जीरो लिखता हूं. मतलब मैं दोनों जगह एक ही चीज करूं, सिर्फ इज इक्वल टू जीरो या इज इक्वल टू अनदर ईपीएस, समझे कि नहीं. और फिर इसको सॉल्व कर लो डायरेक्टली आपका इंडिफरेंस पॉइंट आ जाएगा. अंडरस्टूड, क्लियरली अंडरस्टूड, कंफर्टेबल विद दिस ऑल थिंग्स. एनआई देखा था, एनओआई देखा था, ट्रेडिशनल देखा था और फिर एमएम अप्रोच देखा था.
एमएम अप्रोच के अंदर के बहुत अच्छे लॉजिक्स और क्वेश्चंस हम लोग आज कवर कर सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चनर बुक। ठीक है, आज का सेशन हमारा थोड़ा आधा घंटा इधर उधर होगा, मेंटली प्रिपेयर हो गए होंगे आप अब तक। ठीक है, चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर पे आएंगे। जो हमने ऑलरेडी कवर किया था उसका सिर्फ रिविजन करता हूँ, क्योंकि लास्ट के 10-15 मिनट में हमने कवर किया था, वो था फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एंड इंडिफरेंस पॉइंट। याद है आपको, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा लेवल ऑफ डैश होता है जहां पर डैश जीरो होता है, ऐसा लेवल ऑफ ईबीआईटी होता है जहां पर ईपीएस जीरो होता है। वेरी गुड, फाइनेंशियल पार्ट पूरा दिमाग में रखने का। स्टार्ट पॉइंट क्वेश्चन मार्क, एंड पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। इसके दो तरीके, सबसे मैंने लेंदी वाला छोड़ देता हूं मैं अभी, तीसरा तरीका लेंदी वाला पूरा पर्टिकुलर रूपीज लेकर एक्स को लेकर सॉल्व करो, नहीं, इसके दो तरीके, एक फॉर्मूला या तो एक्स लेकर सॉल्व करो, नॉट इन द फॉर्मेट, डायरेक्टली इन द फॉर्मूला। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बताएंगे आप लोग, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। What is that? PD upon 1 minus tax called? Preference dividend before tax, including tax. या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है? Let the EBIT be X minus उस प्लान का इंटरेस्ट, क्या मिला ये ब्रैकेट में? EBT. इसको into 1 minus tax, क्या मिल गया? After tax मतलब EAT हो गया ना? इसको minus preference dividend, क्या मिला? NI upon नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू जीरो रखकर सॉल्व करना है। आई एम श्योर आप दोनों मेथड से बहुत अच्छे से कंफर्टेबली प्रैक्टिस भी कर चुके रहेंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं इसका सेकेंड पार्ट, जो हमने देखा था वो था इंडिफरेंस पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, और दूसरा देखा था इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट इज सच अ लेवल ऑफ डैश अंडर टू प्लान्स एट विच डैश अंडर बोथ द प्लान्स इज सेम। इट इज सच अ लेवल ऑफ ईबीआईटी अंडर टू प्लान्स एट विच EPS under both the plans is same. Start point question mark, दोनों जगह X. End point जो भी EPS आएगा वो same आएगा. Correct? तो उस logic से हम indifference point की हद तक ऐसा लिखना पसंद करेंगे. Plan 1, X minus interest into 1 minus tax minus PD of that plan divided by number of equity shares of that plan is equal to x minus interest of another plan into 1 minus tax minus PD of another plan divided by number of equity shares. Are you with me? सबको एकदम अच्छे से समझा? Great. तो यहां पर भी जो लोग ऑनलाइन है सब लोग आंसर्स कर रहे हैं, वंडरफुल, गुड गोइंग गाइस। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, इस चैप्टर का तीसरा पार्ट क्या था दोस्तों? इस चैप्टर का थर्ड पार्ट क्या था? मैंने इस पार्ट चैप्टर को तीन पार्ट में डिस्कस किया था, मिसलेनियस अभी किया रे अपन ने। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर, इसका फर्स्ट पार्ट था थ्योरीज, थर्ड पार्ट था मिसलेनियस जिसमें फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और इंडिफरेंस पॉइंट आता, ये हमने कवर कर लिया था। अब हम बीच वाले पार्ट पे आ रहे, सेकेंड वाले पार्ट पे आ रहे, जहां पर हमें करना है कवर क्वेश्चंस ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर। मैंने क्या बोला था आपको याद है? इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या टाइप, मतलब क्वेश्चन क्या आएगा, कंपनी के पास ऑलरेडी ये कैपिटल है, कंपनी को इतना इतना पैसों का जरूरत है एक्सपांशन के लिए, आप फाइनेंस मैनेजर हो कंपनी के, तो आप बताओगे कंपनी को कि प्लान वन बेटर है या प्लान टू, या प्लान वन टू एंड थ्री में कौन सा बेटर है, या तो प्लान वन टू थ्री फोर में कौन सा बेटर है। प्लान वन टू डेट इक्विटी अलग अलग हो सकता है, डेट एक प्लान और इक्विटी एक प्लान हो सकता है। प्लान वन टू थ्री कैन बी डेट इक्विटी प्रेफरेंस प्लान, या दे कैन गिव यू कॉम्बिनेशन ऑल्सो, जैसे कि प्लान वन में 50-50 डेट इक्विटी, प्लान टू में इक्विटी प्रेफरेंस 50-50, प्लान थ्री में डेट इक्विटी प्रेफरेंस 30-30-40। मतलब ऐसा जरूरी नहीं भाई कि आपका एक प्लान पूरा एक जगह से ही फाइनेंसिंग हो। 10 लाख की जरूरत है, 5 लाख इक्विटी 5 लाख डेट से आ सकता है, 5 लाख इक्विटी 5 लाख प्रेफरेंस से आ सकता है, 3 लाख इक्विटी 3 लाख प्रेफरेंस और बचा हुआ 4 लाख डेट से आ सकता है। प्लान आपके कुछ भी हो सकते हैं ना। यस, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दोस्तों वी हैव गोल्डन रूल्स, नॉट लाइक अकाउंट्स जो यूनिवर्सली 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स है, सबको सेम पता है, हमारे क्लास के गोल्डन रूल्स है ये, हम बताते हैं कि गोल्डन रूल्स है, कहीं लिखना मत गोल्डन रूल्स। ठीक है, गोल्डन रूल मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो फॉलो नहीं, फॉलो होना जरूरी, आप भूलना नहीं है इसलिए।
गोल्डन रूल नंबर वन क्या बोलता है पता है? सिलेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर या प्लान विच गिव्स यू मैक्सिमम एमपीएस. व्हाट इज एमपीएस? मार्केट प्राइस पर शेयर. क्योंकि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था? क्रिएशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. बराबर कि नहीं? तो हम बोलेंगे ऐसा प्लान सिलेक्ट कर जिसमें एमपीएस ज्यादा है. ठीक है, बट वो प्लान सिलेक्ट करने के लिए एमपीएस तक पहुंचना पड़ेगा. एमपीएस तक पहुंचने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? पीई रेशियो यूज करना पड़ेगा. इसका मतलब गोल्डन रूल नंबर वन के लिए तेरे पास पीई रेशियो गिवन होना चाहिए. समझ रहे हो क्या सब लोग? वेरी गुड. तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे? लिखो मेरे साथ गोल्डन रूल्स फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर. गोल्डन रूल्स फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर नंबर वन. डायरेक्ट शॉर्टकट लिख रहा हूं, ये रेगुलर बैच नहीं है बॉस. ओके, हाईएस्ट एमपीएस. क्या सिलेक्शन करना है? कौन सा प्लान सिलेक्ट करना है? हाईएस्ट एमपीएस, वेयर एमपीएस इज इक्वल टू ईपीएस इनटू पी रेशियो. ये फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला है क्या? नहीं. ये क्या किया हमने फिर? पी रेशियो के फॉर्मूले को मॉडिफाई किया. बराबर है क्या? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पी रेशियो? एमपीएस अपॉन ईपीएस. व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पी रेशियो? प्राइस अर्निंग्स रेशियो. एवरीबॉडी, प्राइस अर्निंग्स रेशियो. ओके, वंडरफुल. सो ये था रूल नंबर वन. बट रूल नंबर वन के लिए मुझे दिया रहना चाहिए पी रेशियो. काफी क्वेश्चंस में पी रेशियो नहीं दिया रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? एमपीएस तक नहीं पहुंचना है, ईपीएस तक पहुंचना है. माने कि हर बार जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, हम किनके एंगल से कर रहे हैं? इक्विटी, डेट या प्रेफरेंस? किसके एंगल से सोच रहे हैं हम लोग? किसका फायदा करा रहे हैं? इक्विटी वालों का, क्योंकि वो तो रियल ओनर्स है ना. यस, तो सेकेंड रूल विल बी हाइएस्ट ईपीएस वाला प्लान सिलेक्ट कर. बट दोस्तों, सेकेंड रूल पर कब जाना है मालूम है आपको? जब फर्स्ट रूल फेल हो रहा है, जब पहला रूल फॉलो नहीं हो सकता, तब आप रूल नंबर टू पर जा रहे हो. बराबर कि नहीं? yes. तो हाईएस्ट ईपीएस के लिए हम क्या बोलेंगे? वेयर, बोलिए ईपीएस का फॉर्मूला, एनआई अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. हो सके तो एग्जाम में एनआई मत लिखना, जो भी एनआई है वो नाम लिखना. योर एनआई कैन बी ईबीटी, योर एनआई कैन बी ईएटी, योर एनआई कैन बी नेट अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. आई होप यू अंडरस्टूड. कभी कभी टैक्स ही नहीं दिया रहता है, पीडी भी नहीं दिया रहता है, तो आपका एनआई क्या बन गया? ईबीटी. ईबीटी टैक्स नहीं है, पीडी नहीं है, ईबीटी बिकम्स एनआई. कभी कभी टैक्स दिया रहता है मगर पीडी नहीं दिया रहता है, तो ईएटी बिकम्स एनआई. कभी कभी पीडी भी दिया रहेगा तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर विल बिकम योर एनआई. ठीक है, एग्जाम में सिर्फ एनआई वर्ड इग्नोर करना है आपको. हो सके तो नेट इनकम लिखो मगर एनआई मत लिखो. एक्चुअली एनआई भी एक बहुत स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट और शॉर्टकट है, बट काफी लोग इसको भी मतलब वैलिड नहीं मानते, तो इसलिए नेट इनकम लिखना प्रेफर करो. ठीक है, चलिए. नाउ थर्ड रूल, बोलिए रूल नंबर थ्री क्या रहेगा? अगर सपोज मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स ही नहीं दिए रहेंगे, तो मैं फिर से इक्विटी वालों के एंगल से हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी देखूंगा. रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या है बाय द वे? वेयर आरओई इज इक्वल टू एनआई अपॉन इक्विटी इनटू 100. वेरी गुड. कोई भी रिटर्न वाले फॉर्मूले का लॉजिक वो होता है, जिस चीज पर आप रिटर्न निकाल रहे हो उसको डिनोमिनेटर में लिखो, उसके रिटर्न को न्यूमरेटर में आने दो, और लास्ट में इनटू 100 कर दो, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए ये अपने को. करेक्ट, सही है क्या? ग्रेट. तो रूल नंबर वन, टू एंड थ्री, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस. इसके बेसिस पर सॉल्व करना है. अब मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं आपको इसको सॉल्व करने के, ध्यान से सुनो. हर बार प्लान टू प्लान देखने का कि उस प्लान में कितना डेट है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है. करेक्ट, प्लान टू प्लान देखने का कि उसमें इक्विटी कितना है अमाउंट, और पर शेयर हम कितने में इश्यू कर रहे हैं, पर शेयर हम कितने में बेच रहे हैं फॉर रेजिंग इक्विटी. I require suppose 5 lakh rupees. Face value of equity share is 10 rupees, but market value is 70 rupees. What do you think? मेरी कंपनी कितने में बेचेंगी आपको शेयर? 70 में बेचेंगे ना?
फेस वैल्यू पे क्यों बेचू जबकि मार्केट प्राइस ज्यादा है? और जो भी हो, मार्केट तो मार्केट प्राइस पे ही खरीदता है ना भाई। तो फिर हम कितने में बेचेंगे शेयर्स को? 70 में बेचेंगे। सपोज 10 लाख रुपए रिक्वायर्ड है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 70 कर कर तेरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आएगा न्यू वाला। समझा क्या बोला? तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, एग्जिस्टिंग चीजों को छोड़ने का नहीं। जो भी तेरे पास एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रहेगा वो एक्सपेंशन के बाद में भी देना पड़ेगा। जो भी तेरे पास एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे एक्सपेंशन के बाद, वो नंबर ऑफ शेयर्स वैसे ही रहेंगे, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स उसके साथ ऐड होके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। एंड जो भी तेरे पास एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड देना था वो देना ही पड़ेगा, एक्सपेंशन के बाद में भी देना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट को चेंज नहीं करने का, छोड़ने का नहीं, एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड को भी नहीं छोड़ने का, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स को भी नहीं छोड़ने का। दूसरा इंस्ट्रक्शन, ये तो एग्जिस्टिंग को नहीं छोड़ने का पहला इंस्ट्रक्शन था। दूसरा इंस्ट्रक्शन बोलो, हर बार नए शेयर्स किस पर इश्यू होंगे? मार्केट प्राइस पर, ना के फेस वैल्यू पर। अगर कुछ नहीं बोला, मार्केट प्राइस दिया ही नहीं है, तो फेस वैल्यू पर विथ अ नोट, विथ अ नोट एवरीबॉडी। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, जब आप पूरा कैलकुलेशन करते हो तो प्लान टू प्लान कितना डेट है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो अच्छे से चेक करो। प्लान टू प्लान रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो सकता है, बराबर ना? इसलिए रीड करने का अच्छे से, उस प्लान में उसी प्लान का इंटरेस्ट गिरना चाहिए। अंडरस्टूड? सेम अप्लाइज विद प्रेफरेंस डिविडेंड ऑल्सो, करेक्ट? ओके, चलो। तो ये गोल्डन रूल्स के साथ हमें सॉल्व करने कुछ क्वेश्चंस इस पर, ठीक है? अब इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं बचता है, तो डायरेक्टली हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पे जाते हैं। क्वेश्चनर बुक लाया आपने? ओपन द क्वेश्चनर बुक। हाँ, तो क्वेश्चनर बुक में आएगा ना आर्बिट्रेज प्रोसेस, आया नहीं आपको सॉल्व करने? हाँ, कोई बात नहीं, हम लोग वैसे भी क्वेश्चनर बुक में जब जाएंगे। मैंने क्या बोला आपको, एमएम अप्रोच, ये बोलने में बहुत आसान लग रहा है आपको कि टू प्रपोजिशन, प्रपोजिशन वन मार्केट प्राइस शुड बी सेम, प्रपोजिशन टू इफ इट इज नॉट सेम आर्बिट्रेज प्रोसेस विल स्टार्ट, बट उसके एक्चुअल स्टेप्स तभी आते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? एनआई एनओआई का ऐसा नहीं है, आपको अगर मैं स्टेप्स समझा दूं तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, करेक्ट? बट एमएम अप्रोच का ऐसा स्पेशलिटी है कि एमएम अप्रोच को आप जब तक खुद से सॉल्व नहीं करते हो तब तक नहीं हो सकता कुछ भी। एक चीज सिर्फ हम भूल गए, वो है एमएम अप्रोच विथ टैक्स। एमएम अप्रोच विथ टैक्स अगर रहेगा ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक टिपिकल फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। वो फॉर्मूला क्या है बताइए, कोई किसी को याद है एमएम अप्रोच विथ टैक्स का फॉर्मूला? ये फॉर्मूला पढ़ लेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चनर बुक पे जाएंगे, ठीक है? कम ऑन, हु कैन टेल मी एमएम अप्रोच विथ टैक्स का फॉर्मूला? नहीं याद है? थोड़ा कभी तो सुने जैसे लगता है, सुना सुना से लगता है। आर्बिट्रेज प्रोसेस नहीं समझा पंकज आशीष? डोंट वरी यार, मैं हूं ना, आर्बिट्रेज प्रोसेस भी समझ जाएगा। बोलिए, वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म, वीएल लिख रहा हूं मैं आपके लिए, वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म। सर ये लिवर्ड फर्म क्या होता है? सर जिसमें डेट होता है उसे बोलते हैं लिवर्ड फर्म। तो अनलिवर्ड क्या हुआ? जिसमें डेट नहीं है, करेक्ट? दोनों में से एमएम अप्रोच के मुताबिक किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? जिसमें डेट होता है, लिवर्ड फर्म। क्यों? क्योंकि जब वो डेट लेता है तो उस पर वो क्या पे करता है? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कहां डेबिट होता है? पीएनएल में। उसकी वजह से नेट प्रॉफिट कम होता है और आपका कंपनी का टैक्स सेव होता है। इसका मतलब ये पूरे चीज का लॉजिक क्या है? टैक्स शील्ड, टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट। उसकी वजह से कौन से फर्म की वैल्यू ज्यादा हो गई? लिवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा हो गई। तो वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। क्योंकि इंटरेस्ट पर का टैक्स शील्ड फ्यूचर ईयर में सेव होगा, इनफाइनाइट ईयर्स तक सेव होगा, तो हम उसका प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं। इधर लिखो मेरे साथ, वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। हाउ डू आई कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड? ए बाय आर के फॉर्मूले से। किससे? ए बाय आर के फॉर्मूले से। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट ईयर्स तक वो सेव करेगा अपना टैक्स, इसलिए ए बाय आर। जितना भी टैक्स सेव होगा वो एन्यूटी वर्कर ट्रीट होगा, और उसको डिवाइडेड बाय आर मतलब केडी करना पड़ेगा, ठीक है?
अब आप मुझे बताएंगे एन्यूटी के लिए मैंने क्या बोला आपको, इंटरेस्ट लो, ध्यान से लिखो मत, लिखो मत, सुनो, इंटरेस्ट लो और उसको मल्टीप्लाई करो टैक्स रेट के साथ। इंटरेस्ट का अमाउंट सपोज 10,000 है, टैक्स का रेट सपोज 30% है, तो 10,000 इंटू 30% कितना हो गया 3,000, 3,000 का टैक्स सेव हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे टैक्स शील्ड, यस और नो, यस। तो इंटरेस्ट इंटू टैक्स रेट इज योर एन्यूटी एंड दैट शुड बी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब केडी बोलू कॉस्ट ऑफ डेट, यस। इंस्टेड ऑफ राइटिंग, रुको हाँ, लिखो मत, इंटरेस्ट लिखने की जगह कैन आई राइट डेट इंटू केडी, बॉस डेट इंटू केडी मतलब इंटरेस्ट ही हुआ ना, समझे कि नहीं, तो फिर क्या कर सकता हूं मैं, केडी केडी कैंसिल कर सकता हूं, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड का सिंपल फॉर्मूला क्या बन गया, डेट इंटू टैक्स रेट। आई होप डेरिवेशन समझाए आपको, यस, राइट दिस नाउ। वंडरफुल एवरीबडी, दोज आर पार्टिसिपेटिंग ऑनलाइन, बहुत ही जबरदस्त आंसर दे रहे हो, जोश में दे रहे हो, ऐसे ही कंटिन्यूड रखो। आप लोग भी सबको समझ गए अच्छे से, नाउ टेल मी, ऑब्वियसली ये तो आपको आता ही होगा, ये सोच के मैंने लिखा ही नहीं कुछ, बोलो वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म रहेगा, नॉर्मली वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या है, ई बी आई टी अपॉन क्यू, याद है ना आपको, मगर यहां पर टैक्स है तो कुछ नहीं करने का, ईबीआईटी इंटू वन माइनस टैक्स, सही है कि नहीं, ईबीआईटी के आगे इंटू वन माइनस टैक्स क्या बन गया, वो आफ्टर टैक्स, ईबीआईटी आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय क्यू विल गिव यू योर वैल्यू ऑफ फर्म, जेपिंग सबको अच्छे से, वेरी गुड। तो ये था आपका एमएम अप्रोच विथ टैक्स, इस क्वेश्चनर बुक के सॉल्यूशंस सच बताऊं तो मैंने देखे भी नहीं है कि उसका फॉर्मेटिंग अच्छा है नहीं है, क्योंकि मैं चाहता था कि उसके सॉल्यूशंस आप भी नहीं देखो, तो कहीं ब्रैकेट आपको बाहर दिखेगा, इधर उधर हिला हुआ दिखेगा, आप दिमाग मत लगाओ, क्योंकि आपको वो क्वेश्चनर बुक में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, फाइनल आंसर आपका मैच होना चाहिए, ठीक है एवरीबॉडी। चलिए तो लेट्स गो टू क्वेश्चनर बुक, मैं यहां पर ओपन कर देता हूं क्वेश्चनर बुक आपके लिए, कैपिटल स्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व किया, क्या सबने सॉल्व किया, इजी था, आप सबको आया, आगे बढ़ू क्या, अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चनर बुक का क्वेश्चन नंबर वन आपको ईबीआईटी दिया था, कंपनी का 20 लाख का डिवेंचर है 10% से बोला है, क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट मिलेगा ना, यस, एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मतलब के कितना है 16% है, और आपको केडी भी दे रखा है 10% बराबर, और आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मतलब क्या निकालना था, एस, वैल्यू ऑफ फर्म मतलब निकालना था वी, एंड निकालना था आपको केओ, अरे ये एस वी और केओ हम लोग कौन से अप्रोच में निकालते, एनआई, तो बस एनआई अप्रोच का स्टेप्स यूज करके सॉल्व करना है इसको, एनआई अप्रोच के स्टेप्स विदाउट देखे बोलोगे आप सब लोग, कम ऑन एवरीबॉडी लुक एट मी, जोश में, ठीक है, फर्स्ट ईबीआईटी रेडी है क्या आपके पास, माइनस इंटरेस्ट रेडी है क्या आपके पास, ईबीटी मिलेगा, फिर ईबीटी को एनआई बुलाएंगे, NI डिवाइडेड बाय KE करेंगे, क्या मिला, S, आ गया S, ओके, फिर क्या करेंगे, डेट, डेट का अमाउंट रेडी है, वेरी गुड, तो डेट और इक्विटी को ऐड करके V, वैल्यू ऑफ फर्म निकल गया, पांचवें स्टेप तक आ गए, लास्ट स्टेप क्यों, EBIT अपॉन V इंटू 100, याद आया, नहीं याद आया होगा तो लॉजिक बता देता हूं, दोनों कैपिटल को डिनोमिनेटर में डालो, दोनों के कॉस्ट को न्यूमरेटर में डालो, इंटू 100 करो, दोनों कैपिटल मतलब S प्लस D, डिनोमिनेटर में गया मतलब V आ गया, दोनों के कॉस्ट, एस का कॉस्ट होता है एनआई मतलब ईबीटी, और डी का कॉस्ट होता है इंटरेस्ट, ईबीटी प्लस आई इज ईबीआईटी, लास्ट में इनटू 100% कॉस्ट के लिए, आ गया लॉजिक, तो फिर ऐसे इससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ो मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम है,
कुछ भी डिफरेंस नहीं है, नंबर्स चेंज है, आपके प्रैक्टिस के लिए समझ लो। आगे बढ़ू क्या? अब देखो यहाँ के सॉल्यूशन का तरीका पूरा अलग है, पर्टिकुलर रूपीज जैसे जैसे ऊपर सॉल्व किया वैसे नहीं सॉल्व किया, अलग तरीके से सॉल्व किया। मैं चाहता था कि इतना गंदा इधर कुछ लिखा रहे कि आप इसको देखो भी नहीं, तो आई एम श्योर आपने बोला रहेगा भाई ये सब चेक करने से अच्छा मैं सॉल्व करता हूँ, और आपने सिंपल फॉर्मेट पर्टिकुलर्स रुपीस, मगर मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था आपको, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रुपीस राइट हैंड कॉर्नर में चाहिए मुझे, क्योंकि पर्टिकुलर्स कॉलम में बीच में कैलकुलेशंस आने वाले हैं। करेक्ट, प्रेजेंटेशन जितना सिंप्लीफाइड रखोगे, अच्छा रखोगे ना, उतना तुम भी कंफर्टेबल रहोगे और पेपर चेकर ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, याद रखो। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, रेगुलर नोट्स में भी था, याद होगा तो आपको। डिटरमाइन द ऑप्टिमम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। अब ये ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का लॉजिक क्या होता है बताइए? ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जहां पे हमारा केओ सबसे लीस्ट हो, बिकॉज वैल्यू ऑफ फर्म सबसे ज्यादा होता है उधर। वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी अपॉन केओ। डिनोमिनेटर जितना कम, आंसर उतना ज्यादा। करेक्ट है क्या? तो फिर ऐसे केस में ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 7 तक ऑप्शन दिए आपको। कॉस्ट ऑफ डेट दे रखा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा है, और प्रपोर्शन ऑफ डेट दे रखा है। कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को? प्रपोर्शन ऑफ डेट दे रखा है ना, तो प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी आ जाएगा, जो भी डेट का प्रपोर्शन है बचा हुआ प्रपोर्शन किसका है? इक्विटी का है। ओके, तो फिर मेरे पास चार चीजें है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ डेट प्रपोर्शन ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी, बस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। मतलब मैं क्या करूंगा मालूम है आपको? क्यू इज इक्वल टू डेट का प्रपोर्शन इनटू कॉस्ट ऑफ डेट, ये एक ब्रैकेट में डालूंगा, प्लस इक्विटी का प्रपोर्शन इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कर दूंगा, तो इजीली मेरा आंसर आ जाएगा ना। अच्छा ये कोई नया फॉर्मूला है क्या? अरे ये वेट इनटू कॉस्ट प्लस वेट इनटू कॉस्ट, प्रपोर्शन मतलब क्या होता है? वेट ही तो होता है ना, समझे कि नहीं? आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स कॉमन सेंस इज सुप्रीम। तो अगर आप बोलोगे सर ये कौन सा नया फॉर्मूला है सर अभी, तो कॉमन सेंस यूज करो यार। जितना मैं डेट यूज कर रहा हूं उसका कॉस्ट दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, जितना मैं इक्विटी कर रहा हूं यूज उसका कॉस्ट अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो ओवरऑल कॉस्ट आ जाएगा। यस, तो मैंने वही करना है और मेरा आंसर आते जाएंगे। फिर इसको एक टेबुलर फॉर्मेट में सॉल्व किया तो बेटर लगेगा ना आपको। तो टेबुलर फॉर्मेट का फॉर्मेट बताओ मुझे क्या रहना चाहिए? डेट प्रपोर्शन यहां लिखेंगे केडी, फिर लिखेंगे इक्विटी का प्रपोर्शन, फिर लिखेंगे के, इनको प्रॉपरली कॉलम ए बी सी डी बुलाएंगे, और फिर केओ निकालेंगे। केओ निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे बोलो? ए इंटू बी प्लस सी इंटू डी, खत्म विषय। करेक्ट, इससे प्रेजेंटेशन सिंपल हो जाता है और आपके आंसर्स भी अच्छे लगते हैं। ऐसे फॉर्मेट में ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, और ये कॉलम में सबसे लीस्ट वाला जो आपका आंसर रहेगा वो आपका सबसे बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा। करेक्ट, फिर इसका कंक्लूजन भी लिखना चाहिए, एक्साइटमेंट में हम भूल जाते हैं। हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन थ्री, सपोज आई डोंट नो बट शायद वही आंसर है, ऑप्शन टू। तो ऑप्शन टू दैट इज द प्रपोर्शन ऑफ कितना डेट इक्विटी में, क्या प्रपोर्शन है ऑप्शन टू का? ऑप्शन टू सबसे कम आंसर दे रहा है ना आपको, 90% इक्विटी 10% डेट, बराबर है क्या? शुड बी सिलेक्टेड एज इट रिजल्ट्स इन लोएस्ट केओ, दैट इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऐसा कंक्लूजन लिखना चाहिए आपने। ऑप्शन टू दैट इज 90% इक्विटी एंड 10% डेट शुड बी सिलेक्टेड एज इट रिजल्ट्स इन लोएस्ट केओ, दैट इज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर कंपनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर पर आते। फोर्थ क्वेश्चन भी एकदम इजी क्वेश्चन था, था क्या बोलिए? वर्चुअल में वॉल्यूम कम है क्या? एक बार चेक कर लो, एक कमेंट आया मुझे वॉल्यूम कम है। यस, क्वेश्चन नंबर फोर, अमिता लिमिटेड ईबीआईटी इज गिवन टू यू, कॉस्ट ऑफ डेट इज गिवन टू यू, डेट का अमाउंट भी दे रखा है, कॉस्ट ऑफ डेट भी दे रखा है, ईबीआईटी का अमाउंट दे रखा है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्यों दे रखा है, और आपको पूछा है वैल्यू ऑफ फर्म वी एंड के। वी एंड के कौन सा अप्रोच? एनओआई अप्रोच, ऐसा क्लिक होना चाहिए आपको। अब एनओआई के स्टेप्स विदाउट देखे बोलोगे आप? ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी कॉल्ड एज एनआई हो गया। थर्ड स्टेप, वैल्यू ऑफ फर्म वी इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन केओ, यस और नो? फिर फोर्थ स्टेप विल बी सेम, वैल्यू ऑफ डेट डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन केडी,
इस क्वेश्चन में तो जरूरत ही नहीं क्योंकि डेट दिया है। फिफ्थ स्टेप वैल्यू ऑफ इक्विटी एस इज इक्वल टू वी माइनस डी वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट रिमेनिंग वैल्यू इज ऑफ इक्विटी। लास्ट स्टेप के इज इक्वल टू एन आई अपॉन एस इंटू 100 करेक्ट एन आई अपॉन एस इंटू 100 आया क्या ध्यान में समझ रहे क्या सबको तो वही स्टेप यूज किया और आंसर निकाल लिए ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते बोलिए क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने सॉल्व किया तभी ये सब डिस्कशन मैटर करता है और इंपॉर्टेंट है। अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हो सिर्फ स्टोरी फॉर्मेट में सुन रहे हो तो मतलब नहीं आएगा, आपको सॉल्व करना है ताकि आप कहीं अटके होंगे अगर घर पे तो मैं जो बोल रहा हूं वो आपके लिए करेक्शन रहना चाहिए। सर आप बोलते जाओ हम घर पे देख लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ऑलवेज रिमेंबर प्री हैंड सॉल्व करने का ट्राई करो ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्या बोलता है अभी ये, अल्फा बीटा आर टू आइडेंटिकल कंपनीज एक्सेप्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। अल्फा हैज 50% डेट 50% इक्विटी वेयर एज बीटा हैज 20% डेट 80% इक्विटी। ऑल परसेंटेजेस आर इन मार्केट वैल्यू टर्म्स, मतलब ऑब्वियसली आपको प्रोपोर्शंस जो दिए मार्केट वैल्यू प्रोपोर्शंस है। द बोरिंग रेट ऑफ बोथ द कंपनीज इज 8% इन अ नो टैक्स वर्ल्ड। Capital markets are assumed to be perfect. If you own 2% of Alpha Limited, determine your return if the company has net operating income of 360,000 and the overall capitalization rate, मतलब KO, is 18%. पहले ये निकाल ले, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कितने लोगों ने try किया मगर आया नहीं answer? Very good, 4-5 लोग हैं. Okay. चलिए, तो इसको solve करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपके पास आपका ईबीआईटी रेडी है और आपका केओ रेडी है। क्या आंसर मिलेगा आपको? वैल्यू का आंसर मिलेगा ना, वैल्यू ऑफ फर्म। ईबीआईटी अपॉन केओ गिव्स यू वैल्यू ऑफ फर्म। डू यू हैव ईबीआईटी विद यू? कितना है? 360,000। डू यू हैव केओ विद यू? कितना है? 18%। दोनों को डिवाइड कर क्या मिल गया? वैल्यू ऑफ फर्म कितना आया? 20 लाख। दोनों जगह डेट सेम है क्या? अलग है दोनों जगह डेट सेम है क्या? अलग है, अलग है ना, प्रोपोर्शन ही अलग है ना, तो डेट अलग रहेगा। तो इस वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेट अलग अलग निकाल तो वैल्यू ऑफ इक्विटी अलग अलग मिलेंगे। यस और नो? तो बताओ फर्स्ट केस में कितना प्रोपोर्शन है डेट का? 50%। तो इसका 50% क्या है? डेट। और बचाओ 50 क्या रहेगा? इक्विटी। मतलब 10 लाख का डेट, 10 लाख का इक्विटी। यस और नो? डेट इक्विटी 10-10 लाख आ गया, मगर ये सिर्फ फर्स्ट प्लान की बात कर रहे हैं अपन, करेक्ट? फिर उसके बाद फर्स्ट प्लान में ही हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास ईबीआईटी रेडी है, हमारे पास इंटरेस्ट अमाउंट आ सकता है क्योंकि डेट रेडी है और केडी भी रेडी है। तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करके क्या मिलेगा? ईबीटी। कैन वी कॉल दिस ईबीटी एज एनआई? यस। फिर हम क्या करेंगे बताओ? हमारा एनआई निकालेंगे। कैंसिल हो सब लोग, कैंसिल हो सब लोग। डेट का अमाउंट 10 लाख है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। इंटरेस्ट कितना आएगा? 80,000। बेटा कैलकुलेटर चाहिए कल से। अब 80,000 का इंटरेस्ट है, 360,000 का आपका ईबीआईटी है। लो कैलसी, 360,000 माइनस करो 80,000 का इंटरेस्ट, 2,80,000 का एनआई आ गया आपके पास, करेक्ट? ये एनआई आपको मिलेगा, आप सभी शेयरहोल्डर्स को मिलेगा, मगर आपके पास वैयक्तिक पर्सनल कितना होल्डिंग है? 2%। तो इसका 2% निकालो, 5,600 का। कैन आई कॉल दिस एज डिविडेंड? मिला, ऑल अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। तो 100% का जो एना है वो 100 लोगों में 100% शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपके पास उसमें का 2% ना, 2% है, तो आपको 2% डिविडेंड मिलेगा, पूरे डिविडेंड का 2% आपको मिलेगा। पूरा एना है मतलब डिविडेंड कितना है? 2,80,000। 2,80,000 का 2%, 5,600 का डिविडेंड आपको मिलेगा, करेक्ट? अब मुझे बताइए कि ये तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाला, यू ओन 2% डिटरमाइन योर रिटर्न, मिल गया आपको रिटर्न, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा आपको? इंप्लाइड रिटर्न भी निकालो, इंप्लाइड रेट ऑफ रिटर्न निकालो इक्विटी पर, इक्विटी पर, ठीक है। इंप्लाइड रेट का मतलब क्या हुआ? तूने कितना पैसा लगाया या आज के वैल्यू में कितना पैसा लगा है और आज के वैल्यू में तुझे कितना रिटर्न्स मिल रहा है। तो ओवरऑल इक्विटी शोल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो सभी को कितना डिविडेंड मिल रहा है? 2,80,000 का। लो कैलसी पे 2,80,000 डिवाइडेड बाय सभी का जितना भी पैसा लगा है उसकी वैल्यू कितनी है? 10 लाख डिवाइड कर लो इनटू 100 कर, इंप्लाइड रेट ऑफ रिटर्न बिकम्स 28%। एवरीबॉडी
तो फिर इंप्लाइड रेट ऑफ रिटर्न का भी आंसर मिल गया आपको, ये देखो 5628% आया आंसर, आया आंसर। ओके नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट बी पार्ट क्या है? अच्छा जैसे हमने अल्फा का निकाला वैसे आपको बीटा का भी निकालना है, यहां पे निकाला नहीं है शायद, निकाला है क्या? सिर्फ अल्फा के लिए बोला ना, सिर्फ अल्फा बोला इसलिए सिर्फ अल्फा का निकाला अपने, ठीक है? ऐसा सेम बीटा के लिए भी पूछ सकते हो लोग, स्टेप सेम रहेंगे सिर्फ नंबर चेंज होंगे, ठीक है? नाउ बी पार्ट डील्स विद बीटा लिमिटेड, बीटा लिमिटेड हैज द सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी, डिटरमाइन द इंप्लाइड रेट ऑफ रिटर्न, इंप्लाइड रिक्वायर्ड इक्विटी रिटर्न ऑफ बीटा, निकाल सकते हो आप? कैसे निकालोगे? टोटल वैल्यू ऑफ फर्म तो सेम रहेगा, कितना? 20 लाख। अब प्रोपोर्शन ऑफ डेट इक्विटी चेंज हो जाएगा, कितना? 20% 80%, 20% क्या है? डेट है, तो कितना हुआ डेट? 4 लाख का। इक्विटी कितना हो गया? 16 लाख का। झेपा क्या? ग्रेट। अब आपको क्या करना है? ईबीआईटी माइनस उस प्लान का इंटरेस्ट, फिर एनआई आएगा, सेम स्टेप्स होंगे, बराबर है कि नहीं? सही है कि नहीं? गुड। तो इस तरीके से उसका भी आंसर आ जाएगा। एनालाइज व्हाई दिस डिफर्स फ्रॉम अल्फा, व्हाई डिफर्स फ्रॉम अल्फा, पहले उसका आंसर देख लेते हैं। तो उसका आंसर है एम्प्लॉयड रिटर्न का 20.5%। तो क्यों डिफर कर रहा है? तो बहुत सिंपल है, इसका आपको रिटर्न क्या दिख रहा है? कम दिख रहा है। क्यों कम दिख रहा है आपको रिटर्न? वहां पर डेट का प्रोपोर्शन कितना था? 50-50। यहां पर डेट का प्रोपोर्शन कितना है? 20-80। मतलब इस कंपनी ने डेट कम यूज किया है भाई, लेवरेज का कम उपयोग किया है, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कम हो रहा है। क्या बोलो, फिर से बोलो? लेवरेज का यूज कम हुआ है, डेट जहां 50% यूज कर सकते थे वहां पे 20% ही यूज किया है, तो डोंट यू थिंक कि टैक्स शील्ड का एडवांटेज कम मिला है, उस वजह से रिटर्न टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स भी कम आ रहे हैं, समझे? तो आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको सीधा सीधा लिखना है कि कंपनी हैज नॉट टेकन फुल एडवांटेज ऑफ लेवरेज एंड देयरफॉर इट हैज लेस ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, देयरफॉर आरओई इज लेस। इधर की वर्डिंग्स को ध्यान मत दो ऐसे, ये वर्डिंग्स ही आने जरूरी नहीं है, ठीक है? कंसेप्चुअली वो आंसर आना चाहिए आपका। नेक्स्ट, नाउ कमिंग टू योर फेवरेट एमएम अप्रोच। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर ऑलमोस्ट शायद 10-11 तक एमएम अप्रोच ही है, मजा आ जाएगा सॉल्व करने के लिए। सिर्फ दिमाग से थोड़ा सा अटेंटिव रहकर आंसर करो सब लोग, ठीक है? एवरीवन रेडी? पढ़ लो क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन को पढ़ा। देर आर टू कंपनीज एन लिमिटेड एम लिमिटेड हैविंग सेम ईबीआईटी, कितना ईबीआईटी? 20,000। एम लिमिटेड इज अ लिवर्ड फर्म, तो इसके ऊपर एल लिख देते हैं, ऑब्वियसली इसका मतलब दूसरा फर्म अनलिवर्ड हो गया, जनरली एमएम अप्रोच में यही होता है, ठीक है? तो एम इज अ लिवर्ड फर्म हैविंग डेट ऑफ 1 लाख एट व्हाट रेट? 7%, मतलब 7,000 का इंटरेस्ट। एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एन लिमिटेड इज 10%। ये क्या है? 10% क्या है? के ई। किसका के ई है? वो एन का है, के ई एन का 10%। और दूसरी कंपनी का कितना है? 11.5। तो 11.5 करेक्ट। अब थोड़ा सा फॉर्मेटिंग बनाते वक्त ना थोड़ा क्लियर फेयरफुल रहना चाहिए, क्वेश्चन में पहले एन बोला है बाद में एम बोला है, तो आप भी फॉर्मेट ड्रॉ करते वक्त पहले एन लिमिटेड लिखना चाहिए और बाद में एम। मेरे क्वेश्चनर के आंसर को देखो ही मत, मैंने क्या बोला, मैंने आंसर को ध्यान दिया ही नहीं, मैंने अच्छे क्वेश्चंस पे ध्यान दिया है, तो मैंने वहां पर जो लिखा है उसको ऐसा आइडियलिस्टिक मान के मत चलो, ठीक है? पहले क्या आना चाहिए जो क्वेश्चन में दिया है? एन, फिर आना चाहिए एम, ताकि आपके मतलब गलती से एक कॉलम इधर का इधर हो गया तो पूरा आंसर चेंज हो जाता है, क्वेश्चन के सिक्वेंसिंग के जैसा सॉल्व करने का, वो न्यू अल्फाबेटिकली एम पहले आता है बाद में एन आता है, ऐसा नहीं सोचने का, ठीक है? नाउ आपको एमएम अप्रोच में क्या करना होता है, ध्यान से सुनो। एमएम अप्रोच में आपको सबसे पहले दोनों कंपनी का एनआई निकालना होता है, नेट इनकम। दोनों कंपनी का आपको के ई दिया हुआ है, तो एनआई अपॉन के यूज कर कर आपको एस मिल जाता है। डी लिखना है तो लिख लो, वैसे कोई फर्क नहीं करेगा, डी लिखना है तो लिख दो, और डी और एस को जोड़कर
वी आ जाता है। एज सच उसका बहुत कुछ यूज नहीं है, बट लिख लो। फिर आपको क्या करना होता है, जिस कंपनी में आप शेयर होल्ड करते हो उसके शेयर्स बेचना होता है और दूसरी कंपनी के शेयर्स बाय करना होता है। मगर दोनों कंपनी में डेट का प्रपोर्शन सेम नहीं होता है, डेट ही नहीं होता है एक कंपनी में, एक कंपनी में डेट होता है। तो आपको देखना होता है कि आप कहां से कहां मूव हो रहे हो, आप अनलिवर्ड से लिवर्ड में जा रहे हो या लिवर्ड से अनलिवर्ड में जा रहे हो, अकॉर्डिंगली स्टेप्स चेंज होते हैं। ठीक है, तो चलो पहले ये नॉर्मल जो चीजें वो चेक कर लेते हैं एक बार। डू यू हैव एनआई विद यू? नो, यू हैव ईबीआईटी। माइनस करोगे आप इंटरेस्ट, क्या मिलेगा? एनआई मिलेगा। चलो एक काम करता हूं, मैं यहां पे लिखना स्टार्ट कर देता हूं। तो सबसे पहले ईबीआईटी आप मत लिखो, मैं आंसर नहीं लिख रहा हूं। ईबीआईटी माइनस करूंगा मैं, इंटरेस्ट मिलेगा मुझे ईबीटी और एनआई। फिर मैं यूज करूंगा के, फिर मुझे मिलेगा एस। एस इज इक्वल टू एनआई अपॉन के। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर क्या होगा, डेट का वैल्यू दिया है, यस, क्या मिल जाएगा? वी। वी इज इक्वल टू एस प्लस डी। ऑफ कोर्स आपको इसको ऐसे फॉर्मेट में सॉल्व करना पड़ेगा। समझे कि नहीं? आप यहां तक नंबर्स तक पहुंच जाओगे, पहुंच पाओगे? ओके फिर आप देखो उस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है। कौन से कंपनी में आपका होल्डिंग है कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है। कौन से कंपनी में आपका होल्डिंग है कुछ बोला है क्या आपको? नहीं बोला है। वैल्यू ऑफ एम लिमिटेड कितना आया? वैल्यू ऑफ एम लिमिटेड 2,13,000 आया। एन लिमिटेड का वैल्यू कितना आया? 2 लाख आया। समझे क्या? जिस कंपनी का वैल्यू ज्यादा उसमें आप होल्ड करते हो। क्या बोला, समझा? क्यों सर? आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या होता है मुझे बताओ। बाइंग एंड सेलिंग। कौन सी कंपनी के शेयर्स तू बेचता है भाई जिसकी वैल्यू ज्यादा है? कौन सी कंपनी के शेयर बाय करता है जिसकी वैल्यू कम है? तो पहले बाय वाले शेयर्स होल्ड कर रहा है अज्यूम करके बेच, समझे कि नहीं? और कम वाले फिर बाय कर। इस केस में कौन सी कंपनी का वैल्यू ज्यादा दिख रहा है? एम का। कितना वैल्यू है? 2,13,000। किसका वैल्यू कम है? एन। कितना है? 2 लाख। तू किस में होल्ड कर रहा है? 2,13,000 वैल्यू वाले फर्म में। मगर इक्विटी होल्ड करता है तू, पूरे फर्म का वैल्यू होल्ड नहीं करता है। तू क्या होल्ड करता है? इक्विटी। उसका इक्विटी कितने का है? 1,13,000 का है, बराबर? राउंड ऑफ बोल रहा हूं मैं, 1,13,000 का है। नाउ यू हैव टू अज्यूम कि तुम्हारे पास कितना परसेंट स्टेक है। अगर क्वेश्चन में बोला रहेगा 2% है तो 2% रखेंगे, 10% है तो 10 रखेंगे, 20% बोला तो 20 लेंगे, कुछ नहीं बोला तो अज्यूम कर लो 10 है। कुछ नहीं बोला तो अज्यूम कर लो 10 है। तो कितने अजम्पशन हो गए? 2। पहला अजम्पशन क्या है? वी आर होल्डिंग 10% स्टेक इन कौन सा कंपनी? एम, एम लिमिटेड। दो अजम्पशन हो गए ना, एक ही अजम्पशन में दो अजम्पशन आ गए। पहला अजम्पशन है हम 10% होल्ड कर रहे हैं और दूसरा अजम्पशन है कि हम एम में होल्ड कर रहे हैं। ठीक है सर, 10 ही क्यों लिया? सर आप जो मन मर्जी ले सकते हो, बट 10 के कैलकुलेशन इजी होते हैं ना, 10% कैलकुलेट करने में आसान होता है बाकी चीजें। ठीक है, सो इन्होंने भी उतना ही अज्यूम किया, 10%। पूरे वैल्यू का मैं 10% शेयर होल्ड करता था, मैंने उसको बेच दिया, तो पूरी वैल्यू कितनी है? 1,13,000। 1,13,000 का 10% कितना होता है? 11,300 एंड समथिंग। ठीक है, उतने पैसे मुझे सेल ऑफ शेयर से आ जाएंगे। आगे क्या? 11,304 आ गए सेल ऑफ शेयर से। ओके, अब ध्यान से सुनो, मुझे दूसरी कंपनी में स्विच होना है, उसी को तो आर्बिट्रेज बोलते हैं ना, सेलिंग कंपनी शेयर एंड बाइंग अनदर कंपनी शेयर। पहले ये कंपनी के शेयर्स तूने बेच दिए, अब ये कंपनी के शेयर्स तू बाय करेगा, मगर उससे पहले चेक कर कि ये दोनों कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क सेम था क्या। तो जिस कंपनी में तुम्हारा स्टेक था वो लिवर्ड फर्म था, बराबर? जिस कंपनी में आपका स्टेक था वो क्या है? लिवर्ड फर्म, बराबर? क्या तो उसका रिस्क तो ज्यादा ही था ना, और जिस कंपनी में तुम जा रहे हो वो अनलिवर्ड है, उसका रिस्क कम है। क्यों सर, ज्यादा क्यों है सर? नहीं समझा सर। बिकॉज उसके पास डेट है तो उसके पास कमिटमेंट टू पे इंटरेस्ट रहेगा ना, यस, तो उसका फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है। तो फिर जिस कंपनी में तुम जा रहे हो उसका फाइनेंशियल रिस्क कम है। दोनों का रिस्क मैच है कि मिसमैच है? मिसमैच है, तो बोरिंग विल कम इन टू पिक्चर। ठीक है, बोरिंग क्यों बोला मैंने, ध्यान से सुनो, जिस कंपनी में तुम थे ना उधर लिवरेज था, डेट था, रिस्क ज्यादा था। जिस कंपनी में तुम जा रहे हो उधर डेट नहीं है, मतलब रिस्क कम है, तो तू रिस्क लेकर जा रहा है फिर बोरो कर कर।
सेल ऑफ शेयर कर दे, पर्सनली बोरो कर और दूसरी कंपनी में एंटर कर। पर्सनल बोरिंग क्यों किया सर? टू मैच द रिस्क। व्हाई डू यू वांट टू मैच द रिस्क सर? बिकॉज वी आर कंपेयरिंग रिटर्न्स एट द एंड। इफ वी आर कंपेयरिंग रिटर्न्स एट द एंड, फर्स्ट वी शुड मैच द रिस्क। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एफडी पे कितना रेट मिलता है आपको? 6%। मैं 8% देता हूं, मेरी कंपनी इन्वेस्ट करो, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, मैं 8% देता हूँ। कंपेरेबल है क्या बैंक का एफडी 6% और प्रशांत सांडा की कंपनी 8%? क्यों नहीं कंपेरेबल है? क्योंकि बैंक का एफडी का रिस्क कम है और प्रशांत सांडा की कंपनी का रिस्क ज्यादा है, प्राइवेट लिमिटेड है, भाग गए तो, है ना? बैंक है, इतने आसानी से नहीं भाग सकते ना, समझे कुछ? तो फिर मेरा बोलने का मतलब ये था, तात्पर्य है, लॉजिक ये है कि जब तक रिस्क इक्वल नहीं होता ना तो रिटर्न्स कंपेरेबल ही नहीं होते। ऐसा मत सोचो सर आपकी कंपनी 8% दे रही है, हम इन्वेस्ट कर लेंगे। अरे भाई रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी तो ज्यादा है, बैंक का रिटर्न कम है तो रिस्क भी तो कम है। ऐसे दो चीजें कंपेरेबल होती है क्या? नहीं। इनको दोनों को पहले रिस्क में मैच कर, फिर रिटर्न्स को कंपेयर कर। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, एम लिमिटेड एन लिमिटेड पहले मैं रिस्क में मैच कर रहा हूं, ताकि मैं इसके बाद के स्टेप में क्या करने वाला हूं, रिटर्न्स कंपेयर करने वाला हूं। ठीक है? तो पहले अपन ने क्या किया, सेल ऑफ शेयर्स। फिर अपन क्या करेंगे, बोरिंग करेंगे। बोरिंग कितना करना है मालूम है आपको? आपके वो कंपनी, दूसरी कंपनी जिसमें आप ऑलरेडी थे, जिसमें आपका स्टेक था एम, उसमें कितना डेट था बोलो? 1 लाख। आप उस कंपनी के कितने परसेंट ओनर थे? 10%। इसका मतलब 1 लाख के डेट का 10%, मतलब 10,000 का रिस्क, 10,000 का ओनरशिप नहीं बोला, रिस्क आपके पास था, क्योंकि उस कंपनी के ओनर आप थे 10%। तो डेट के रीपेमेंट की जवाबदारी 10% के हद तक तुम्हारी थी, यस और नो? तो फिर 1 लाख का 10%, मतलब 10,000 तू पर्सनली बोरो कर और फिर दूसरी कंपनी में एंटर कर। उसी रेट से बोरो करेगा जिस रेट से कंपनी बोरो करती है। इस कंपनी ने कितने रेट से बोरो किया? 7%। तू भी 7% से ही बोरो कर। क्यों? क्योंकि रिस्क मैच करना है तो पूरे एंगल से मैच करना पड़ता है, समझ गए? सो आई विल बोरो हाउ मच? 10%, मतलब 10,000। 10% मतलब कितना हुआ? 10,000। तो ये 1 लाख का 10% है। कितने रेट से बोरो हुआ है ये? कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से बोरो हुआ ये? 7%। करेक्ट? कैन यू सी द नंबर्स एवरीबॉडी? मैच हो रहा है कि बराबर? चेक कर लो अच्छे से, यस और नो? तो फिर टोटल पैसा कितना है आपने पास? 21,304। करेक्ट? अब उसमें से दूसरी कंपनी के आपने वो क्या करना है, स्टेक बाय करना है। दूसरी कंपनी का स्टेक बाय करना है ना, तो उसके लिए दूसरी कंपनी का भी हम लोग 10% ही स्टेक बाय करेंगे। दूसरी कंपनी के टोटल स्टेक की वैल्यू बोलो कितनी है, जरा देखो स्क्रीन से। मैं गायब हूं जानबूझ के ताकि आपको दिखे बाकी चीजें। कितना है? 2 लाख। 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। यू विल रिक्वायर हाउ मच? 20,000। हाउ मच यू हैव? 21,304। तो आपके पास ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, बराबर ना? तो एक्स्ट्रा कितना बचेगा? 1,304। इसको बोलते हैं सरप्लस कैश। क्या बोलते बोलो? सरप्लस कैश। स्विचिंग करने में मैं जब एम से निकलकर एन में जा रहा हूं, तो मैंने पहले शेयर बेचे, मैंने बोरोइंग किया टू मैच द रिस्क, टोटल पैसों में से मैंने दूसरी कंपनी के 10% स्टेक खरीदे। ओके ओके एवरीबॉडी? एंड फिर मेरे पास सरप्लस कैश दिख रहा है, ठीक है? सरप्लस कैश कितने का है? 1,304। अब रिटर्न्स कंपेयर करेंगे। अगर मैं एम में ही कंटिन्यू करूं तो मैं इधर हूं, और अगर मैं एन में जाऊं तो मैं इधर हूं। मतलब ये बिफोर स्विचिंग हो गया और ये आफ्टर स्विचिंग है, समझे? समझे क्या? बिफोर स्विचिंग, आफ्टर स्विचिंग। तो ये ईबीआईटी, एनआई लेस कर दिया, सॉरी इंटरेस्ट लेस कर दिया, एनआई आ गया। इधर भी सेम ईबीआईटी, इंटरेस्ट तो जीरो है, ये एनआई आ गया, यस और नो? अब आप बोलो कि अगर पूरे शेयर होल्डर्स को एनआई मिल रहा है 13,000, आपके पास कितना परसेंट स्टेक है? 10%। तो आपको कितना मिलेगा? 1,300। करेक्ट? इधर सभी शेयर होल्डर्स को 20,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, ये डिविडेंड मिलेगा, आपके पास कितना स्टेक है? 10%। तो आपको कितना मिलेगा? 2,000। मिला के 2,000। बट पहले कंपनी में आपने बोरिंग नहीं किया था, और ओरिजिनली आप उधर ही थे, आपने पर्सनल बोरिंग नहीं किया था, इसलिए पूरा 1,300 का 1,300 आपके जेब में जाएगा। दूसरी कंपनी में आप जब स्विच होकर जा रहे थे, कितना बोरो किया था याद है क्या? 10,000। कितने रेट से याद है क्या? 7%। तो 10,000 पे 7% कितना होता है? 700 रुपीज का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 10,000 पे 7%, 700 का इंटरेस्ट दो, 2,000 में से 700 गए तो कितने बचे?
1300, तो बिफोर स्विचिंग कितना मिल रहा था? 1300, आफ्टर स्विचिंग भी 1300। फायदा हुआ क्या? यस, फायदा हुआ है सर। कैसे सर? इक्वल तो है सरप्लस कैश। ये सरप्लस कैश तू जहां इन्वेस्ट करना चाहे इन्वेस्ट करना, रिटर्न आएगा ना। सरप्लस कैश, इस मेथड को बोलते हैं सरप्लस कैश। नथिंग गिवन, कौन सा मेथड फॉलो करने का? सरप्लस कैश। मगर कभी कभी वो क्या बोलते हैं पता है क्या? शो हाउ आर्बिट्रेज प्रोसेस विल वर्क बाय इन्वेस्टिंग फुल अमाउंट, या वो वर्डिंग यूज करते शो हाउ इंक्रीज इन अर्निंग विल बी देयर बाय आर्बिट्रेज, बाय स्विचिंग एम से एन में जाने के बाद इंक्रीज इन अर्निंग कैसे होगा, ऐसा पूछते वो लोग। अब आप बोलो यहां पे मेरे पास इंक्रीज इन अर्निंग दिख रहा है क्या? अर्निंग तो सेम ही है, 1300 1300। इंक्रीज इन अर्निंग बोला या फुल अमाउंट इन्वेस्टमेंट बोला तो सरप्लस कैश नहीं निकालने का। इसी क्वेश्चन में अगर मैं समझाऊं आपको तो क्या करने का, पूरा का पूरा 21,304 इन्वेस्ट कर देने का दूसरी कंपनी में। इस मेथड को क्या बोलते हैं? फुल अर्निंग्स इन्वेस्ट, फुल अमाउंट इन्वेस्टेड, या बोलते हैं इंक्रीज इन अर्निंग्स। मतलब एम में कितना स्टेक था आपका? 10%। एन में कितना मिलेगा नहीं पता, 21,304 पूरा दे देंगे, जितना मिला उतना मिला। कैलसी लो कितना मिला निकालते हैं, 21,304 इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय उस कंपनी के टोटल शेयर्स का वैल्यू 2 लाख है, तो डिवाइड बाय 2 लाख इनटू 100, 10.65%। समझा दूसरा मेथड? फिर उससे क्या होगा सर? उससे ऐसा होगा कि ये जो तेरा नेट इनकम है ना, इसका 10% तेरे को बराबर मिलेगा क्योंकि तू बिफोर स्विचिंग होता था। मगर ये जो नेट इनकम है ना 20,000, इसका 10% नहीं मिलेगा तुझे। 10 पॉइंट जितना भी आपने निकाला 6.5 उतना मिलेगा। कितना मिलेगा निकालो? इंस्टेड ऑफ दिस अमाउंट इट विल कम टू 1,300। आर यू गेटिंग एवरीबडी? 20,000 का 10.65%। सर 10.65 कैसे आया? पूरा 21,000 अगर इन्वेस्ट करेंगे तो 21,304 डिवाइडेड बाय पूरे शेयर्स का वैल्यू जहां पे तुम स्विच कर रहे हो 2 लाख है, इनटू 100 करेंगे तो आंसर 10.65, राउंड फिगर 10.65 आता है ना। तो फिर इस अमाउंट का 10.65 निकालेंगे तो यही आएगा ना, ये तुम्हारा डिविडेंड रहेगा। तो यहां पे 700 का इंटरेस्ट लेस कर इधर 1,430 आएगा, इधर 1,300, इधर 1,430। हुआ क्या? इंक्रीज इन अर्निंग। यस, इधर सरप्लस कैश बचेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं बचा सर सरप्लस कैश? पूरा का पूरा 21,304 इन्वेस्ट कर दिया ना। समझे क्या दूसरा मेथड? अब आप क्लियर हो जाओगे आर्बिट्रेज प्रोसेस पे। अगर आप लिवर्ड फर्म से अनलिवर्ड जा रहे हो तो यही टेक्निक हर जगह यूज होगी, नंबर सिर्फ चेंज होंगे। एनी डाउट? जो जो लोगों को आर्बिट्रेज में डाउट था, अब कोई डाउट है क्या? ग्रेट। अब आते हैं, इन्वेस्ट एंटायर अमाउंट गेट एक्स्ट्रा इनकम, कैन वी स्किप? अभी वही तो नंबर चेंज करके कर दिया ना अपन ने। यस, तो ऐसे केस में क्या करते अपन लोग? डायरेक्ट पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते। ठीक है, देखो थर्टी 9,000 अमाउंट था मेरे पास, ठीक है, पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दिया मैंने, तो 39,000 में दूसरी कंपनी के कितने शेयर्स आए मेरे पास? 12.5%। कैलसी लो सब लोग, इस कंपनी के इक्विटी का वैल्यू है जहां पे हम स्विच होकर जा रहे हैं वो है 2,40,000, और मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं? 39,000। कैलसी लो, 39,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000, 16.25 है। फिर कुछ तो पढ़ने में पढ़ना पड़ेगा अपने को, कहां से कहां स्विच हो रहे हैं। यू आर होल्डिंग 15% स्टेक इन लिवर्ड फर्म, नो प्रॉब्लम। लिवर्ड फर्म में है मतलब इधर ओरिजिनली है, जाना तो इधर ही है, बराबर। ओके, तो लिवर्ड फर्म का शेयर बेचो पहले। ये शेयर्स है आपके पास टोटल कंपनी के पास, जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? कितनी है? 1,60,000। आपके पास 1,60,000 के कितने टक्के हैं? 15%। 1,60,000 का 15% कितना होता है? 24,000। कर दिया, शेयर्स बेच दिए। अब बोरो करना पड़ेगा, दूसरी कंपनी कौन सी है? अनलिवर्ड है, उधर रिस्क है क्या? नहीं। तो आपके पास रिस्क था क्या? यस। तो रिस्क को मैच करने के लिए आपको बोरो करना पड़ेगा,
यस, इस कंपनी के पास कितना डेट था? 1 लाख। इसका कितना परसेंट का जवाबदारी तुम्हारे पास था? 15%। 1 लाख का 15%, 15,000 होता है। टोटल कितना पैसा आया? 39,000 आया, बराबर। ओके, नाउ 39,000 मुझे इन्वेस्ट करना है दूसरी कंपनी में। दूसरी कंपनी के टोटल शेयर्स का वैल्यू कितना है? 2,40,000 है, यस और नो? तो 2,40,000 दूसरी कंपनी का वैल्यू है। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं 39,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 × 100, बराबर निकाला था अपन ने, कितना था? 16.25%। ठीक है, एवरीवन विद मी? ठीक है, 16.25%। नाउ फ्रेंड्स, इधर के सॉल्यूशन को नहीं देखते, अपन अपने हिसाब से सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोलिए। बिफोर स्विचिंग आफ्टर स्विचिंग रेडी कर सकते हैं हम लोग? क्या है वो क्वेश्चन नंबर 7 ना? मेरे पास क्वेश्चन रेडी होना चाहिए, इसलिए डायरेक्टली टाइम सेव हो जाएगा उतना। लेवर्ड कंपनी, अनलेवर्ड कंपनी, बराबर, बोलिए। ईबीआईटी 30,000, 30,000 क्या निकाल रहे आप लोग? एनआई निकाल रहे हैं, फिर उस एनआई का आप लोग आपके होल्डिंग के हिसाब से निकालोगे, बराबर ना? आपका एनआई निकालोगे, आपके एनआई के हिसाब से आपको डिविडेंड कितना मिलेगा वो निकालोगे आप। ईपीआईटी माइनस करो इंटरेस्ट, बोलिए। लिवर्ड में कितना इंटरेस्ट है? 10,000, यस और नो? और इधर जीरो है, कितना आया? 20,000। इधर कितना है? 30,000। कैन आई कॉल दिस एज एनआई और टोटल डिविडेंड, यस और नो? अब इन्वेस्टर्स डिविडेंड निकालना, रिटर्न निकालना पड़ेगा ना। ये मैं स्टेप्स चेंज कर रहा हूँ, आपको ये लिखने की वापस जरूरत नहीं, क्योंकि आपके सॉल्यूशन में ऊपर रेडी रहेगा, करेक्ट है ना? अपन ऊपर क्या देखेंगे? ऊपर ऑलरेडी जो एनआई निकाला है उसमें का आपने को कितना मिलेगा, ठीक है? ये यहां पर निकालने की जरूरत नहीं थी, ये स्टेप वन में आपने ऑलरेडी निकाला है, ठीक है? अब बोलो, डिविडेंड रिसीवेबल निकाल सकते हो क्या? बोलो, पहले कंपनी के लिए, लिवर्ड के लिए 20,000 का 15%, बताइए कितना होता है? 3,000, एवरीबडी। एंड दूसरी कंपनी का, अनलिवर्ड का 30,000 का 16.25%, 4,875। अलग का उत्तर, आपको सबको समझ रहा है? यस। अब क्या करेंगे बताओ? लेस इंटरेस्ट ऑन पर्सनल बोरोइंग, बराबर। क्या इधर कितना? जीरो। दूसरे केस में कितना? कितना बोरो किया आपने पर्सनली? 15,000 बोरो किया। कितने रेट से बोरो किया? 10% से बोरो किया, तो 1,500 लेस किया, तो फिर यहां पर 3,000, 3,375, करेक्ट? एवरीबॉडी, आर वी इन्वेस्टिंग फुल अमाउंट? यस। डू वी हैव सरप्लस कैश? नो। इज देयर इंक्रीज इन अर्निंग? यस, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग फुल अमाउंट, बराबर। क्या एनी डाउट? देख लो अच्छे से, कोई डाउट रहेगा तो पूछिए मुझे। ये आपका इंक्रीज इन अर्निंग था, ये मेथड टू है, सरप्लस कैश नहीं है ये, ठीक है? चलिए, तो उधर भी जो दिया है ना, उधर उधर भी जो दिया है वो सरप्लस कैश ही लॉजिक, सॉरी इंक्रीज इन अर्निंग वाला ही लॉजिक है, बट द ओनली डिफरेंस इज मेथड अलग है। मैं सॉल्यूशंस की तरफ देखता नहीं हूं, आपको बोल रहा हूं मैं बार बार, ठीक है? मेरा और उनका फाइनल आंसर मैच है कि इंक्रीज इन अर्निंग का, सिंपल विषय, फिर उनका तरीका क्या डजेंट मैटर। बोलिए, 8th क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हेन वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म इज मोर देन वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म, तो भाई साहब अगर अनलिवर्ड फर्म का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो मैं ओरिजिनल होल्डिंग इधर दिखाऊंगा और स्विच कहूंगा लिवर्ड में। अब तक तो उल्टा था, ये उल्टा है। अभी हम लिवर्ड में होल्ड कर रहे थे, अनलिवर्ड में जा रहे थे क्या? यस। अब हम कहां होल्ड कर रहे हैं? अनलिवर्ड में, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है। और कहां स्विच हो रहे हैं? लिवर्ड में, उसकी वैल्यू कम है। तो सर क्या फर्क गिरता है? सर फर्क गिरता है, जब तू लिवर्ड से अनलिवर्ड जा रहा था
तो तू रिस्क बोरो कर कर मैच कर रहा था, अब तू अनलिवर्ड में है और लिवर्ड में जा रहा है। अगर तू बोरो करके जाएगा ना तो रिस्क डबल हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो बोरो नहीं करना है, लेंड करना है, समझे क्या? देर आर टू कंपनीज यू लिमिटेड एल लिमिटेड हैविंग सेम एनवाई ऑफ 20,000 एक्सेप्ट दैट एल लिमिटेड इज अ लिवर्ड कंपनी हैविंग डेट ऑफ 1 लाख एट 7%। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ यू एंड एल आर, ये के ही है दोनों का, एक का 10% है और दूसरे का 18% है। कंप्यूट हाउ आर्बिट्रेज प्रोसेस विल वर्क, कुछ भी बोला नहीं है कि आपका होल्डिंग कहाँ है और कितना है, फिर से लॉजिक वही है, वैल्यू निकाल लो, जिसकी वैल्यू ज्यादा उधर होल्डिंग रहेगा और सिंपलिसिटी पर्पस के लिए 10% होल्डिंग रहेगा। आर यू क्लियर? तो निकाल रहे हैं हम लोग वैल्यू, पहले निकाला अपन ने एनओआई, एनओआई मतलब ईबीआईटी, लेस कर दिया इंटरेस्ट इधर तो जीरो आएगा, और नेक्स्ट सॉरी डेट कैपिटल हो, अपन डेट कैपिटल लिखते नहीं वैसे, तो अपन सीधा सीधा डेट कैपिटल पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से अपन लोग ईबीटी निकालते हैं, ईबीटी निकालते हैं, बराबर क्या? इधर के आंसर देखे नहीं तो ही बेटर रहेगा अपने लिए, फॉर्मेट वही रहेगा जो अपन यहां डिस्कस कर रहे थे, याद है? मुझे नंबर्स बताइए, ईबीटी की ईबीआईटी कितना है? 20,000 एवरीबॉडी, दोनों जगह 20,000 20,000 20,000 इंटरेस्ट, ये अनलिवर्ड है और ये लिवर्ड है, अनलिवर्ड में इंटरेस्ट जीरो रहेगा, लिवर्ड में इंटरेस्ट कितना लू? 7,000 का, बराबर कैसे आया? 1 लाख पर 7%, तो ये आ गया आपका एन आई 20,000 एंड 13,000। के ही कितना दे रखा है? 10% एंड 18% डिवाइड करके 2 लाख का यहां का वैल्यू आया और उधर का वैल्यू 72,222, बराबर। डेट का वैल्यू इधर जीरो है, इधर 1 लाख है, यस और नो? तो फिर एक जीरो ज्यादा हो गया, इधर वैल्यू ऑफ फर्म 2 लाख्स और इधर 1,72,222 होल्डिंग इधर करने का जहां पे वैल्यू ज्यादा है। एवरीवन सी दिस प्रॉपरली, कैन यू सी? होल्डिंग इधर करने का जहां पे वैल्यू ज्यादा है, अज्यूम करने का 10% होल्डिंग है, ठीक है? चले आगे। अब सेल ऑफ शेयर करता हूं मैं, बोलो, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म, बराबर कितने के वैल्यू के शेयर्स है? 2 लाख, मेरे पास कितना है अज्यूम करना है? 10%, कितना पैसा मिलेगा? 20,000 एवरीबडी, तो 20,000 मिल गया अपने को, अपने 20,000 यू कैन से सेल ऑफ शेयर्स से ले लिया। अब क्या करेंगे बताओ? इसमें से लेस दूसरी कंपनी के शेयर्स बाय भी करना है और उसे लेंड भी करना है, करेक्ट? तो हम बोलेंगे लेंड मनी टू लेवर्ड फर्म, लेवर्ड फर्म को कितना पैसा लेंड करेंगे अपन? लेवर्ड फर्म के पास टोटल डेट कितना है? 1 लाख का डेट है, बराबर कि नहीं? उसका अपने को कितना लेंड करना है? 10% लेंड करना है, मतलब उसके डिबेंचर्स तुम बाय कर रहे हो, उसको लेंड कर रहे हैं मतलब उसके पास जाके नहीं पूछ रहे हो पैसा चाहिए क्या, उसके डिबेंचर्स बाय कर रहे हो तुम, तो कितने के डिबेंचर्स बाय किए? 10,000, कितना पैसा बचा? बैलेंस मनी इतना बचा, लेस बाय शेयर्स ऑफ लेवर्ड फर्म, करेक्ट है क्या यहां तक सब लोग? कुछ कंफ्यूजन है क्या? बोलो, एटीन क्यों आएगा? 10% होल्डिंग अज्यूम किया ना तूने, जितना परसेंट होल्डिंग अज्यूम करेगा उतना ही लेना पड़ेगा ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे क्या तू? तो उतनी रेट से लेंड कर रहे अपन, मैं कितना लेंड कर रहा हूं? 10,000, कितने रेट से लेंड कर रहा हूं? 18% से, बराबर कि नहीं? ओके, जितना अपना होल्डिंग है उतना अपन लेंड करेंगे परसेंटेज वाइज, कितना अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेंड करेंगे, ठीक है? सो मैंने कितना लेंड किया? 10,000, कितने रेट से? 18% से। 7 है क्या वो? के ही नहीं, के ही नहीं, केडी करना पड़ेगा, 7%, 7% से लेंड करेंगे अपन, ठीक है? अब बोलो बाय शेयर्स ऑफ एल, एल के शेयर्स कितने अमाउंट के वैल्यू के? एल के
172 नहीं है बेटा, 72 222 है। इसका 10% तुझे बाय करना है, कितना अमाउंट लगेगा? 7222, इट इज नथिंग बट 72 222 का 10%। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी ये क्या बच गया? सरप्लस कैश कितने का? 2778। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। तो सर ये 10% क्यों लिया सर? क्योंकि अपना होल्डिंग 10% था, तो अपना डिबेंचर्स का जो अपन कहां से कहां स्विच हो रहे हो? अनलिवर्ड टू लिवर्ड। तो जहां हम जा रहे हैं वहां रिस्क कितने का है? अपन वहां 10% ओनर बनने जा रहे हैं, तो अपना रिस्क भी 10% डिबेंचर्स का आएगा। वो 10% डिबेंचर का रिस्क को यू कैन से नलीफाई करने के लिए उसके ओनर भी अपन ही बन रहे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। सो नाउ वी हैव अ सरप्लस कैश। अब सीधा सीधा अपना पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर स्विचिंग देखेंगे और आंसर क्लोज करेंगे। अपने पास ज्यादा वक्त नहीं है, अपन लोग डायरेक्टली ये लास्ट सम ट्रीट करेंगे, ठीक है? सब लोग एमएम अप्रोच क्लियर है क्या? नाउ पहला क्या था अपना? अनलिवर्ड था क्या? और यहाँ क्या है? लिवर्ड। ये क्या है? बिफोर स्विचिंग, बराबर? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे पास क्वेश्चन याद नहीं इसलिए बोल रहा हूँ। ये है आफ्टर स्विचिंग, बराबर? यस। चलो अब डिविडेंड रेशियो निकालते हैं। अपने पास एनआई वगैरह रेडी है ना, तो एनआई वापस से निकालने की जरूरत नहीं मेरे पास। इधर अभी मेरे को एनआई रेडी है मेरे पास। बोलो अनलिवर्ड का एनआई कितना है? अनलिवर्ड का एनआई निकालना अपन रे 20,000। लिवर्ड का कितना है? 13,000। तो अपन क्या बोलेंगे? 20,000 इंटू 10%। लिवर्ड के केस में अपन बोलेंगे 13,000 इंटू 10%, ये कितना आएगा? 2,000। ये कितना आएगा? 1,300, करेक्ट? एड, लेस नहीं, एड, क्योंकि अपन डिबेंचर्स बाय कर रहे, लेंड कर रहे पैसा, बोरो नहीं कर रहे। तो एड इंटरेस्ट इनकम। इधर तो कुछ इंटरेस्ट इनकम नहीं था बिफोर स्विचिंग। आफ्टर स्विचिंग क्या हुआ? तूने डिबेंचर्स खरीदे कितने के? 10,000 के। कितने रेट से? केडी रेट से। केडी रेट कितना था? 7%। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 700। हुआ क्या अर्निंग मैच? बिफोर स्विचिंग 2,000, आफ्टर स्विचिंग 2,000, वी हैव सरप्लस कैश, देयरफॉर वी विल स्विच। आर्बिट्रेज प्रोसेस विल स्टार्ट। एब्सोल्यूट कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल रहा है? ग्रेट। तो ये है आपके लॉजिक्स, एमएम अप्रोच के सभी लॉजिक्स। अंडरस्टूड प्रॉपरली? कोई शक? तो अब मैं ये आगे के क्वेश्चंस इग्नोर करूं, आप खुद से ट्राई कर लोगे। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग ऑफ इन्वेस्टर इफ ही स्विचेस हिज होल्डिंग फ्रॉम अनलिवर्ड टू लिवर्ड। भाई साहब, अनलिवर्ड से लिवर्ड, अनलिवर्ड की वैल्यू ज्यादा, लिवर्ड की वैल्यू कम। जहां तुम जा रहे हो वहां डेट है, बोरो करके रिस्क डबल करनी है क्या? क्या करेंगे? लैंड करेंगे। दूसरी बात, सरप्लस कैश नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? वर्डिंग पढ़ो, इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग बोला है। एक वर्ड चेंज, आपका आंसर चेंज, समझे? फिर क्या करने का सर? फिर ऐसे केस में क्या होगा? सेल ऑफ शेयर कर, लेस डिवेंचर्स बाय कर ले, जितना बचा दूसरी कंपनी के शेयर्स बाय कर ले, परसेंटेज टेक निकाल ले, उस हिसाब से दूसरी कंपनी में तुझे डिविडेंड मिलेगा। सिंपल। फिर स्विचिंग के बाद 10% के आंकड़े को भूल जा। स्विचिंग के पहले 10% स्टेक है अज्यूम कर सकता है तू, या जितना भी इधर दिया है, कितना दिया इधर होल्डिंग कुछ बोला है क्या? 15%। तो होल्डिंग के बाद भी 15% ही रहेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं? कि जितना पैसा बचा था उतना पूरा लगा दिया दूसरी कंपनी में, उससे इंक्रीज इन अर्निंग होगा, सरप्लस कुछ नहीं आएगा। जेबा तो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं इसमें? 13 है। बहुत ही इजी, एक पेज बचा है हमारा सिर्फ। बताइए, बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड, अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, हैज पेड अप कैपिटल ऑफ 100 लाख रुपीस कंसिस्टिंग ऑफ 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो मुझे बताइए, डू यू हैव एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर? डू यू हैव एग्जिस्टिंग कैपिटल विद यू? यस। विल यू फॉरगेट दिस 10 लाख इक्विटी शेयर्स व्हिच यू ऑलरेडी हैव? नो। करेंटली इट्स अर्निंग
एंड एनुअल प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ 60 लाख रुपीज। द कंपनीज शेयर्स आर लिस्टेड एंड कोटेड इन द रेंज ऑफ 50 रुपीज टू 80 रुपीज। मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू डाइवर्सिफाई द प्रोडक्शन एंड इट हैज अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट विच विल कॉस्ट ₹50 लाख। मतलब हमको एडिशनल फंड्स कितने के चाहिए? 50 लाख। क्वेश्चन चैप्टर के कौन से कैटेगरी में आता है? थ्योरीज, मिसलेनियस या कैपिटल स्ट्रक्चर क्वेश्चन? कैपिटल स्ट्रक्चर क्वेश्चन। एंड इज एक्सपेक्टिंग टू यील्ड प्री टैक्स इनकम ऑफ 40 लाख रुपीज। तो ये नया प्रोजेक्ट का अमाउंट कितना? इन्वेस्टमेंट का 50 लाख, मगर उससे प्री टैक्स प्रॉफिट कितना होगा? 40 लाख, बराबर ना। टू रेज दिस एडिशनल कैपिटल द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अंडर कंसिडरेशन फॉर द मैनेजमेंट। कितने ऑप्शंस है? 3। कॉलम्स कितने बनेंगे? 4। सीरियल नंबर को गिना तो 5। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। फर्स्ट प्लान पढ़ो क्या लिखा है। टू इश्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ एंटायर एडिशनल अमाउंट, मतलब पूरा 50 लाख, बराबर। विच इज एक्सपेक्टेड दैट द न्यू शेयर्स विच हैज अ फेस वैल्यू ऑफ 10 कैन बी सोल्ड प्रीमियम ऑफ 15। बोलो कितने बेचेंगे? कितने में बेचेंगे? 25। अरे प्रीमियम ऑफ 15, फेस वैल्यू ऑफ 10, 25 में बेचेंगे ना? यस, कैलसी लो। कितने पैसे की जरूरत है? कैलसी पर टाइप करो, डिवाइड कर लो 25 रुपीज पर शेयर। 2 लाख न्यू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। आर यू विद मी? एवरीबडी एबल टू सॉल्व? ओके, नाउ सेकंड ऑप्शन पढ़ो। टू इश्यू 16% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच फॉर एंटायर अमाउंट। एंटायर अमाउंट मतलब कितना अमाउंट? 50 लाख पूरा। कितने रेट से? 16% से। कैलसी लो सब लोग, 50 लाख इंटू 16%, 8 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको प्लान बी में। प्लान बी में करेक्ट। लास्ट, टू इश्यू इक्विटी कैपिटल ऑफ 25 लाख एंड 16% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ बैलेंस अमाउंट, मतलब कितना? 25 लाख। इन दिस केस कंपनी कैन इश्यू न्यू शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 40 ईच। कितने में बेचेंगे शेयर्स? 50 रुपए में। फेस वैल्यू 10 प्लस प्रीमियम 40। कैलसी लो, मुझे न्यू नंबर ऑफ शेयर्स बताओ। कितने? 50,000। कैसे आया? 25 लाख के ही थे इक्विटी शेयर्स, पर शेयर एट 50 ईच, कितना हुआ? 50,000 न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, करेक्ट। एवरीबॉडी ओरली बोल रहा तो कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना कुछ? हाँ। और बैलेंस किस में आएगा? डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कितने अमाउंट के? 25 लाख। कितने रेट से? 16% से। तो इंटरेस्ट निकालो, 4 लाख का इंटरेस्ट आएगा, 25 लाख पे 16%। अब जरा जो जो नंबर आपने बोले थे एक बार वेरीफाई करके आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है? कितने ऑप्शन है? 1, 2, 3। डेट इक्विटी बोल सकते हो क्या? प्लान वन को डेट, प्लान वन को इक्विटी, प्लान टू को डेट, फिर प्लान थ्री को क्या बोलो मैं? डेट एंड इक्विटी। उससे अच्छा जो भी क्वेश्चन में बोला ना ए बी सी, वो बोलने का, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ठीक है? चाहिए तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो आप, बट इसकी जरूरत नहीं है अगर आप पढ़ते हो क्वेश्चन अच्छे से। तो जो जो हमने बोला था वो सब यहाँ पे एक चेक कर लो। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख एंड 50,000, बीच वाले प्लान में 0 बिकॉज पूरा अमाउंट डेट से आ रहा है, ठीक है? डिबेंचर्स यहाँ पर 50 लाख के, यहाँ पे 25 लाख के, करेक्ट। दोनों जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 16% है, तो एक जगह इंटरेस्ट आएगा 50 लाख पे 16%, कितना होता है? 8 लाख। दूसरी जगह आएगा 4 लाख, जो अभी अभी आपने बोला मुझे, करेक्ट है क्या? एंड एनुअल प्री टैक्स प्रॉफिट पहले का कितना था? 60 लाख। तो एग्जिस्टिंग का भी अपन छोड़ते क्या? नया प्रोजेक्ट चालू किया तो पुराना प्रॉफिट छोड़ देते क्या? तो वो अगले साल वो भी मिलेगा और नए प्रोजेक्ट का प्रॉफिट भी मिलेगा। नए प्रोजेक्ट का कितना प्रॉफिट है? 40 लाख। तो तीनों जगह वो 40 भी मिलेगा और ये पहले वाला 60 भी मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा? 1 करोड़ मिलेगा, बराबर है क्या? यस। मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं ऑडिटिंग टाइप टिक कराकर आपसे करा रहा हूं, मगर ऐसा अलाउड नहीं है, आपको पर्सनली ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? अब बोलो 1 करोड़ क्या मिल गया मेरे मुझे? ईबीआईटी, इंटरेस्ट लेस करेंगे जो आपने पहले निकाला था। पहले केस में 0, सेकंड केस में 8 लाख, लास्ट केस में 4 लाख। लेस करने के बाद क्या मिला? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 करोड़, सेकंड केस में 50 लाख नहीं आएगा, 92 लाख, और थर्ड केस में 96 लाख। एवरीबॉडी ठीक है? थोड़ा कुछ तो गड़बड़ हो गया, ये
यहां का एक फिगर गायब हो गया, नीचे 92 लाख बराबर है, ये ऐसा हो गया कैलकुलेशन की वजह से, बराबर ये ऐसा है बराबर। एरो दे दो अच्छे से, बोलिए आगे। टैक्स लेस होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, तो बचाओ 50% आफ्टर टैक्स, बचाओ 46 लाख आफ्टर टैक्स, बचाओ 48 लाख, आधा कर दिया नंबर को, और क्या है। और इससे निकाल लिया अर्निंग पर शेयर, बट अर्निंग पर शेयर इतना आसान नहीं है निकालना, एग्जिस्टिंग शेयर्स को ले लो, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स आपने निकाले थे वो लेना पड़ेगा, उससे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फर्स्ट केस में 12 लाख, सेकंड केस में 10 लाख, लास्ट केस में 10,50,000 आएंगे, उससे आपको मिलेगा आपका ईपीएस। कहीं पर भी क्वेश्चन में पी रेशियो दिया था क्या? अगर दिया रहता तो हम कहां पहुंच जाते, एमपीएस, गोल्डन रूल नंबर 1 यूज होता, मगर पी रेशियो नहीं दिया इसलिए गोल्डन रूल नंबर 2 से सॉल्व किया इसको हमने। जेपा इजी है, ग्रेट। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए मुझे। ये बोल रहे हैं ये कंपनी दो प्लान कंसिडर कर रहा है, आपको बस इंडिफरेंस पॉइंट दे रखा है, ध्यान से सुनो, इंडिफरेंस पॉइंट दे रखा है, कितना है 4,80,000। पहले प्लान पढ़ लो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने के, 10 ईच, अमाउंट कितने का है 8 लाख, दूसरे केस में भी 8 लाख, प्रेफरेंस कैपिटल पहले प्लान में 0, सेकंड प्लान में 4 लाख, डिबेंचर्स पहले प्लान में 4 लाख, दूसरे प्लान में 0, दोनों प्लान में कैपिटल कितने का है 12 लाख 12 लाख। इसका मतलब कहना है दोनों प्लान में एक ही डिफरेंस है, इक्विटी दोनों जगह है, टोटल अमाउंट दोनों जगह सेम ही है, सिर्फ एक जगह प्रेफरेंस है, दूसरी जगह डिबेंचर्स है, ठीक है। और आपको क्या बोला इन्होंने कि हमारे दो प्लांस का इंडिफरेंस पॉइंट कितना है 4,80,000, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना है 30%, व्हाट इज द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, हटकर क्वेश्चन, मगर कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है, मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा ऐसे केस में। प्रेफरेंस डिविडेंड का पहले अमाउंट निकालो, उसको प्रेफरेंस डिविडेंड कैपिटल के साथ, मतलब प्रेफरेंस कैपिटल के साथ डिवाइड करके इनटू 100 कर दो। प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट कैसे निकालेंगे सर, 4,80,000 का मेरे पास ईबीआईटी आना चाहिए, बिकॉज मेरा इंडिफरेंस पॉइंट 480 है, एक्स मत बोलो 480 लो, एक्स भी लोगे पीडी भी लोगे तो ढूंढोगे क्या, दोनों तोड़ना ढूंढ सकते हैं ना, तो इसको बोलना पड़ेगा 480 माइनस फर्स्ट प्लान का इंटरेस्ट, इसको I1 लिख दूं क्या, या आप बोल रहे हो नंबर 48,000 करेक्ट है ना, बुक में से देख के नहीं बोल रहे ना, डिबेंचर से मल्टीप्लाई किया 48,000, क्या आया ये ईबीटी, इसको इनटू 1 माइनस 0.3 है क्या इधर, यस 0.3, क्या मिला ईएटी बराबर, माइनस पीडी करने की इधर जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट प्लान में पीडी नहीं है, इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, बोलो नंबर ऑफ शेयर्स कितने 80,000। एवरीबॉडी आर यू अंडरस्टैंडिंग, बट सेकेंड प्लान के अंदर वापस 480 लेना पड़ेगा बिकॉज इंडिफरेंस पॉइंट 480 है, माइनस सेकेंड प्लान का इंटरेस्ट तो जीरो है ना, क्योंकि उधर डिबेंचर्स नहीं है भाई, प्रेफरेंस है उधर, इनटू 1 माइनस 0.3 माइनस पीडी जो मुझे पता नहीं है, दैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने 80,000। इसको बस सॉल्व करना है तुम्हें, 80,000 कट करके सॉल्व कर लो, पीडी का अमाउंट निकाल लो एवरीवन, इससे क्या मिलेगा मुझे, पीडी का अमाउंट मिलेगा, पीडी का अमाउंट कितना निकलता है 33,600। कैलकुलेट किया तूने कि बुक से देखा है, कैलकुलेट, हाँ गुड, 33,600। अब मुझे क्या करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट निकालना है, बोलो क्या करूं, देयरफॉर प्रेफरेंस डिविडेंड रेट इज इक्वल टू 33,600 का प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय कितने अमाउंट था प्रेफरेंस 4 लाख इनटू 100 8.4%। अपने रेगुलर बैच में जो टेस्ट सीरीज लिए थे उसमें ये भी क्वेश्चन था, इसलिए मैं बोलता था आपको कि क्वेश्चनर बुक उसके साथ सॉल्व करो, याद आया कुछ ऐसा हल्का हल्का सा, यस। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ द 13th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर थिंग, कि हमने अभी तक जितने भी चैप्टर्स को सॉल्व किए सभी के सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ऑब्वियसली हमें रेगुलर से थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है बट हमें पूरी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलो 13th क्वेश्चन क्या बोलता है देखो एक बार, इसका आंसर मैच हो गया ना, यस। 1/3 ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ दिस कंपनी कंसिस्ट ऑफ लोन स्टॉक विच हैज अ कॉस्ट ऑफ 10%, अनदर कंपनी इज आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट एक्सेप्ट फॉर द कैपिटल स्ट्रक्चर, इट इज ऑल इक्विटी एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज हाउ मच 16%। कैन आई कॉल दिस एज KEKO फॉर दैट कंपनी बिकॉज इट हैज ओनली, अकॉर्डिंग टू MM अप्रोच इफ वी इग्नोर टैक्सेशन एंड टैक्स रिलीफ ऑन डेट कैपिटल कंप्यूट द
कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ दिस कंपनी, फर्स्ट कंपनी जिसके पास लोन है, मतलब कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं लोग, लिवर्ड, लिवर्ड फर्म, बराबर है क्या? ये जो दूसरी कंपनी है ये कौन सी है, अनलिवर्ड फर्म है। अब आपको सीधा सीधा लॉजिक लगाना है कि आप कैसे सॉल्व करोगे, मुझे बताइए कौन बताएगा इसका आंसर। सिर्फ क्वेश्चन देखिए, आंसर मत देखिए प्लीज। अगर विदाउट टैक्स की बात करेंगे तो क्या होता है एमएम अप्रोच में, जहां पे टैक्सेशन नहीं है वहां पे एमएम अप्रोच में क्या होता है, वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, ये वाला फॉर्मूला तो टैक्स के साथ आता है। विदाउट टैक्स के केस में इट इज कॉपी ऑफ एनओआई अप्रोच, इट इज कॉपी ऑफ एनओआई अप्रोच, याद आया क्या आपको? आपको बोलना पड़ेगा कि आपकी कंपनी जो भी आपकी ऑल इक्विटी कंपनी है ना, ऑल इक्विटी कंपनी कौन सी है, सैमसुई अनलिवर्ड है ना वो, उसका केओ के कितना है, 16% है, तो वही केओ कहां पर रहेगा, ये देखो ये केडी था, ये केओ था और ये था के, याद आता है क्या, कौन से अप्रोच में, एनओआई, और एमएम अप्रोच तो इसका कॉपी है। तो फिर कुछ समझा क्या, यहां पर जीरो लेवल पर जीरो डेट है, ऑल इक्विटी है, तो कहने से वहां पर 16% का के ही था और केओ भी वही था, आगे डेट ऐड करने के बाद में भी केओ तो उतना ही रहेगा ना, 16% ही रहेगा ना, के ही चेंज होगा मगर केओ क्यों चेंज होगा, समझे कि नहीं? तो फिर इस कंपनी लिवर्ड फर्म का भी केओ कितना लेना पड़ेगा तुमको, 16%, फिर तो आसान बात हो गई। उसका अगर अपने को 16% ही केओ लेना है तो उस कंपनी का अपने पास क्या रेडी है, केडी रेडी है, क्या केडी रेडी है, और उसके पास कितना डेट है, 1/3 डेट है, 2/3 क्या है, इक्विटी है, झेपा क्या कुछ, निकालना क्या है आपको, लिवर्ड फर्म का केई निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्या करना पड़ेगा बोलिए, केओ इज इक्वल टू केई इंटू इक्विटी का प्रपोर्शन प्लस केडी इंटू डेट का प्रपोर्शन, बोलिए केओ कितना लेंगे, 16%, केई कितना लेंगे नहीं पता, वही तो ढूंढना है, इक्विटी का प्रपोर्शन 2/3, डेट का प्रपोर्शन, डेट का कॉस्ट 10%, डेट का प्रपोर्शन 1/3, सॉल्व हो सकता है क्या, और आपको क्या मिलेगा आपका के, एवरीबॉडी इसको जब आप मैथमेटिकली सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। शैल वी स्टॉप, आ गया आंसर कितना था, उधर देख के बोल रहे हो क्या, नहीं ना कैलकुलेट किया ना, मैं इसके दुश्मन हूं, कुछ नहीं उसको नॉर्मल सॉल्व कर लो डायरेक्टली, हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये था आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर, अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। थैंक यू वेरी मच, प्रैक्टिस करो और ज्यादा पढ़ते रहो, और ज्यादा पढ़ते रहो, बस नवंबर तक ही पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।